नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इसमें एक वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ये वन लाइनर पूरा करंट अफेयर का पार्ट है ये, और सितंबर आपका सितंबर 2016 से लेके से पूरा होगा अगस्त 2017 तक का, इसमें अफेयर कर लेंगे। और ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए जरूरी, जैसे अभी आईबी आने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, और प्लस यूपी पीसीएस के लिए तो खास कर ये, और अभी जितने भी जैसे एसएससी का जो एमटीएस चल रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा ये वन लाइनर करंट अफेयर है, चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। फिर बहुत मुश्किल से बनाया है मैंने ये, और इसमें एक एक फैक्ट एकदम निचोड़ के लाया हूं मैं आपके लिए। देखिये, सबसे पहले तो ये है कि इंडिया का परफॉर्मेंस समर ओलंपिक में और समर पैरालंपिक्स में, ये दोनों ही यहाँ पे दिए हुए हैं। इंडिया की रैंकिंग समर ओलंपिक में कितनी थी, 67 थी, और पैरालंपिक में कितनी थी, 43 थी। इंडिया ने दो मेडल जीते थे सिर्फ समर ओलंपिक में, एक सिल्वर का और एक ब्रॉन्ज का। सिल्वर वाला जीता था पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, और ब्रॉन्ज वाला जीता था साक्षी मलिक ने रेसलिंग में, वोमेन फ्री स्टाइल 58 kg में। ये आप याद रखिएगा, समर ओलंपिक में जो फ्लैग बियरर ओपनर थे ये थे अभिनव बिंद्रा, और क्लोजिंग किसने की थी, साक्षी मलिक ने। समर पैरालंपिक में इंडिया ने चार मेडल जीते, दो गोल्ड एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज के साथ। देखिए, मरियप्पन थंगावलु और देवेन जाजरिया ने जीता है गोल्ड, दीपा मलिक ने जीता था सिल्वर, और वरुण सिंह भाटी ने जीता था इसमें ब्रॉन्ज। ठीक है, ये देखिए इनका नाम ये भी याद रखिए कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मरियप्पन थंगावलु ये रिलेटेड है हाई जम्प से, देवेन जाजरिया है जेवलिन थ्रो से, देवेन जाजरिया को और सरदार सिंह को इस बार का राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला है। दीपा मलिक शॉर्टपुट से रिलेटेड है, और वरुण सिंह भाटी हवाई जंप से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि एक ही पोडियम पे दो भारतीयों को इसको सम्मानित किया गया था। समर पैरालंपिक में है मरियप्पन थंगावलु और वरुण सिंह भाटी, ये आप याद रखेंगे। 67 रैंक थी इंडिया की समर ओलंपिक में, 43 थी पैरालंपिक में, और इसके फ्लैग बियरर थे देवेन जाजरिया और मरियप्पन थंगावलु ने इनकी क्लोजिंग की थी। फिर देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न इस बार 2017 का जिसको मिला है देवेन जाजरिया को, जो की पैरा एथलीट है ये, और ये किससे रिलेटेड है, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है ये, सरदार सिंह जी, और को मिला है दूसरा जो हॉकी से रिलेटेड है। देखिए, सिलेक्शन कमिटी जो थी राजीव गांधी खेल रत्न की और अर्जुन अवार्ड की, उसको किसने ऐड किया था, जस्टिस सी के चक्कर में। और सिलेक्शन कमिटी जो थी द्रोणाचार्य की और ध्यानचंद अवार्ड की, उसको किसने ऐड किया था, श्री पुलेला गोपीचंद ने। आगे चलते हैं इसमें, ऑल इंडिया एलिफेंट पॉपुलेशन का लेटेस्ट जो डेटा है उसके हिसाब से पूरे इंडिया में इस समय 27,312 हाथी है करीबन, और कर्नाटक इसमें नंबर वन पे है। कर्नाटक हाथियों की जनसंख्या में भी नंबर वन पे है, और टाइगर की जनसंख्या में भी नंबर वन पे है कर्नाटक। तो देखिए, हाथियों में नंबर वन कर्नाटक, फिर असम, फिर केरल, और आप देखें अगर टाइगर की पॉपुलेशन के मामले में इंडिया में इस समय 2,226 टाइगर है सिर्फ, और टोटल वर्ल्ड वाइज इंडिया नंबर वन पे, नंबर टू पे रशिया है। इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा टाइगर रखता है, वो है कर्नाटक, 406 टाइगर है यहाँ पे, 340 है उत्तराखंड में, 308 है मध्य प्रदेश में, तो नंबर वन पे है कर्नाटक, और अपना यूपी है 8वें नंबर पे। ठीक है, ये कर्नाटक, ये उत्तराखंड, एमपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम और केरल के बाद 8वें नंबर पे हमारा यूपी, 117 टाइगर है यहाँ पे, ये आप याद रख सकते हैं। सोलर एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को, इसीलिए मैंने पीआईबी की न्यूज इंक्लूड की है कि भैया जी देख लो, ये सोलर एनर्जी में अब नंबर वन आंध्र प्रदेश आ गया है। अभी भी किसी को अगर कंफ्यूजन है तो 10 अगस्त 2017 का पीआईबी जाके देख लेना, ये पीआईबी का मतलब होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने लिख दिया वही माना जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट यही है कि सोलर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की कैपेसिटी हो गई है 13,652 मेगावाट, यानी कि 13 गीगावाट, और नंबर वन पे आ गया है अपना आंध्र प्रदेश, नंबर टू पे गुजरात है, नंबर थ्री पे कर्नाटक है, राजस्थान तो 5वें नंबर पे चला गया है। जो लोग राजस्थान को बोलते हैं वो लोग प्लीज एक बार ध्यान से देखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत 22 क्या है, ये एक नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। भारत 22 में क्या है, इसमें 22 जो पीएसयूज कंपनी होगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होगी, और प्लस स्ट्रेटेजिक होल्डिंग होगी एसयूयू की आएगी। नेक्स्ट एक बुक का नाम है ये गोल्डमैन टू टाइकून, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव, ये किसने लिखी है, प्रियंका पाठक नारायण ने। फिर उसमें देखिए नेक्स्ट है कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग
इंडिया अवार्ड 2017 दिए गए थे। क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसने स्टार्ट किए थे? नीति आयोग ने स्टार्ट किए थे, और ज्यूरी में ये जितनी भी जो वुमेन है जिन्होंने कुछ अचीव किया, जैसे प्लस ये पूजा ठाकुर प्लस ये निमरू राव है, ये सब थी इसमें। मेन चीज आप याद रखिएगा, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2017 किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है? एक यह है नीति आयोग ने, और ये इंटरनेशनल वुमेन डे जब 8 मार्च को मनाते हैं तब लॉन्च किया गया था। देखिए टॉप 6 में एक लक्ष्मी अग्रवाल को मिला, सफीना हुसैन को मिला, कमल कुमकर को कुंभर को मिला है, शुभांशी मिस्त्री मिस्त्री को मिला, और अनुपमा सिन्हा को मिला, जो कि पहली फीमेल एम्पुटी है जिन्होंने हाईएस्ट माउंटेन को फतेह की है। जमुना टुडू को मिला है, 6 लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, देखिए संपदा स्कीम किससे रिलेटेड है? संपदा का मतलब होता है ये स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। तो संपदा स्कीम है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, ये आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव का क्या है कि इसको एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करना, मॉडर्नाइज करना प्रोसेसिंग को, और डिक्रीज करना एग्री वेस्ट को। एक क्वेश्चन अभी ये था कि देखिए अभी ए आई आर एन एस एस के जैसे टोटल जो आई आर एन एस एस हमारा डेवलप हुआ है, आई आर एन एस ए बी सी डी ई एफ तक हो गया था, जी तक हो गया था, अब इसमें आई आर एन एस एस 1H भी अभी किया था, ये इसको किया था, और ये देखिए इसको लॉन्च इसने किया था क्योंकि आई आर एन एस 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 1A ये डिफंक्ट हो गया है, अभी फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए आई आर एन एस एस 1H को लॉन्च किया था, लेकिन ये फेल हो गया डिप्लॉय होने से बिकॉज ऑफ सम ये हीट ट्रैपमेंट। तो ठीक है, ये आप याद रखें, चर्चा में था ये, इसके लिए किया गया था आई आर एन एस एस 1H, आई आर एन एस एस 1A के लिए। नया जो 50 रुपए का नोट जारी हुआ है आरबीआई ने किया है, उसमें इमेज किसकी है? हम्पी चैरियट की है, ठीक है। और नया जो 200 रुपए का नोट है इसमें सांची स्तूप की इमेज है, ये आप याद रखेंगे। नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं 7 अगस्त को, किसी को याद करने के लिए, क्योंकि इसी दिन स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट हुआ था। फिर देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का पहला अनमैंड टैंक कौन सा है? उसका नाम है मंत्रा, और इसके 3 वेरियंट स्टार्ट किए गए हैं, और इसको लॉन्च किसने किया है? डीआरडीओ ने। तो ये आप याद रखेंगे, इंडिया का पहला अनमैंड टैंक कौन सा है? मंत्रा, और इसके 3 वर्जन है। एक पर वर्जन है वो सर्विलियंस के लिए, दूसरा है माइनिंग के लिए, और तीसरा है न्यूक्लियर रेडिएशन के, कोई ऐसा ये आ जाएगा रिस्क। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017 में हुआ था, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। होस्ट किसने किया था? इंग्लैंड और वेल्स ने। 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें इंग्लैंड ने फाइनल में इंडिया को हरा दिया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थी? टैमी ड्यूमोंट करके थी, और ये इंग्लैंड की थी। सबसे ज्यादा रन भी इसी ने बनाए थे, मोस्ट सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे? डेन वेन नेकर करके, साउथ अफ्रीका की। इंडिया की तरफ से कैप्टन थी मिताली राज, ठीक है। सबसे ज्यादा रन किस इंडियन ने बनाए? मिताली राज ने। और सबसे ज्यादा विकेट किस इंडियन ने लिए? दीप्ति शर्मा। और 2021 का जो वर्ल्ड कप होगा न्यूजीलैंड में होगा। दूसरी बात ये कि इंडिया ने अभी तक वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप एक भी नहीं जीता है, हालांकि 2 बार फाइनल में पहुंची है। नेक्स्ट है ये, देखिए ये जो फैक्ट है ना, ये मैंने एकदम निचोड़ है, ये आएगा जरूर, एकदम रट डालो इसको, एकदम हार्ड, बिल्कुल एकदम दिल में बसा लो ये सब चीजें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस समय रामनाथ कोविंद जी है, 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये है वेंकैया नायडू जी, 13 है ये। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी है, 45th है। नंबर वाइज याद रखिएगा क्योंकि यही पूछते हैं एग्जाम में। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल है, 24वें आरबीआई गवर्नर इस समय नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन इनमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बस मोदी जी एक्चुअली वैसे तो गुलजारी लाल नंदा जैसे 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे, इसीलिए इनको अगर आप गुलजारी लाल नंदा को काउंट करेंगे तो ये मोदी जी 15th है प्राइम मिनिस्टर, अगर नहीं करेंगे तो 14th है। लोकसभा इस समय 16वीं चल रही है, उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 17वीं चल रही है। योगी आदित्यनाथ इस समय 21वें सीएम है पर्सन वाइज, और 32वें टर्म वाइज। फिर नेक्स्ट ये एक है कि ग्लोबल ट्रीटी अभी साइन की थी उन सब कंट्रियों ने जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और ये इसने की थी कि बैन करने चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स को। हालांकि जितने भी न्यूक्लियर जो मेंबर्स हैं, जैसे 9 कंट्री हैं, यूएस, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इंडिया और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया और इसराइल, इन्होंने इसका बॉयकॉट किया था और इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था।
ये एक ट्रीटी साइन हुई थी, ग्लोबल ट्रीटी बैनिंग न्यूक्लियर वेपन की। इसका कोई लेकिन मतलब नहीं रह गया। इसमें जापान ने भी इसके एक्चुअली विरोध किया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो मलेरिया एलिमिनेशन के लिए नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान कब से कब तक बनाया गया है? ये बनाया गया 2017 से 2022 तक, और जो टारगेट है इंडिया से मलेरिया को खत्म करने का वो है 2027 तक। हालांकि जो नेशनल फ्रेमवर्क बनाया गया था 2016 में, उसमें 2030 तक टारगेट दिया गया था। तो तीन चीजें याद रखनी है आपको, फ्रेमवर्क में 2030 तक टारगेट दिया गया था, प्लान में 2017 से 22 तक का आपको प्लान बनाना है, 2027 तक का आपका एलिमिनेशन है हमारा ये मलेरिया को खत्म करने का। ये I3 किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है। I3 का मतलब हो गया इनोवेट इन इंडिया, और ये किससे रिलेटेड है, ये है नेशनल बायो फार्मा मिशन से। ठीक है, ये पहला इंडस्ट्री प्लस एकेडमिया का मिशन है ताकि बायो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट इंडिया में एक्सेलरेट किया जा सके। नेक्स्ट है इसमें, अभी अभी देखिए इंडिया और कनाडा ने बोला है कि ज्वाइंटली इशू करेंगे पोस्टेज स्टैम्प, किसकी थीम पे, दिवाली की थीम पे। जिज्ञासा क्या है, ये वन लाइनर का याद रखिए, स्टूडेंट और साइंटिस्ट के बीच में कनेक्ट प्रोग्राम है। ठीक है, और ये किसने स्टार्ट किया है, CSIR और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने, ताकि स्टूडेंट साइंटिस्ट के साथ मिलकर इंटरेक्ट होके ज्यादा अच्छे से सीख सके। एक ये बुक है प्रणबीर प्रेयसी संगीता घोष की, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट एफेयर्स अरुंधति रॉय की थी है ये बुक। मतलब इसको लॉन्ग लिस्ट में नॉमिनेट किया गया था, हालांकि हार गई है, मैन बुकर प्राइज नहीं जीत पाई है, पाकिस्तान जीत गए, एग्जिट वेस्ट करके एक बुक है वो जीत गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा देश है जिसने वर्ल्ड बैंक और IMF से अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया है? वो है बोलीविया। इंडिया, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, थिएटर ओलंपिक जो होगा वर्ल्ड का 8वां, उसको होस्ट कौन करेगा, उसको इंडिया करेगा होस्ट। ठीक है, 2018 में होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी PM मोदी जी इजराइल गए थे जब, तो एक फूल को उनके नाम पे मोदी रख दिया गया फूल, उसका नाम, उसका फूल का नाम क्या है, वो इजरायली है, क्रिसेंथम करके फ्लावर का है, जिसको कि अब मोदी बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी लाइबिलिटी इंडेक्स किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है? ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने किया है। 116 सिटीज में पूरा इवेल्युएशन किया जाएगा कि कैसे है ये, कितना परफॉर्मेंस है इनका, लाइबिलिटी इंडेक्स पर रहने काबिल है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PSLV C-38, इसमें आपके 31 सैटेलाइट टोटल किए गए थे, एक तो कार्टोसैट 2 और प्लस 30 और स्मॉलर। इन 30 में से एक तो था ये तमिलनाडु का NIUSAT, ठीक है, ये था तमिलनाडु की नूरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी का, और बाकी आपका एक था कार्टोसैट 2, तो दो ये हो गए, और 29 में से सबसे ज्यादा थे USA के, ये आप याद रखिएगा। एक तो 104 वाला गया था, उसमें भी सबसे ज्यादा यूएसए के थे, और बाकी एक एक करके थे। फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं इसमें। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड अगर आप देखें तो ये जो ICC है, सॉरी यहाँ पे आई होना चाहिए, ये होस्ट कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड और वेल्स में हुई थी। पाकिस्तान ने फाइनल में इंडिया को हरा दिया था, हसन अली जो पाकिस्तान का है वो उसको मिला था प्लेयर ऑफ द सीरीज, सबसे ज्यादा रन बनाए थे शिखर धवन ने और सबसे ज्यादा विकेट लिए थे हसन अली ने। वेन्यू ये फाइनल वही लंदन था। 2021 का चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। ठीक है, इस बार इंग्लैंड में होगा, अगली बार इंडिया में होगा, फिर हम जीतेंगे। नीति आयोग ने स्टार्ट किया एक साथ प्रोग्राम करके, साथ का मतलब है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि साथ जो है एक प्रोग्राम, ये किसने स्टार्ट किया है, ये नीति आयोग ने स्टार्ट किया है, ताकि जो इंडिया में ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सके आगे के डेवलपमेंट के लिए। तो सात कैपिटल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेगी। विजन यही है कि आप एजुकेशन और हेल्थ को कि आप ज्यादा से ज्यादा इस पे फोकस करें। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली है एक वात्सल्य मातृ अमृत कोर्स, ये कोर्स ये चालू किया गया है, इसका मतलब है नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक स्टार्ट किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है, ये देखिए नॉर्वे की पहल पे किया गया है, और ये फाइनली जो सेंटर है नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक एंड लैक्टेशन काउंसिलिंग सेंटर, ये दिल्ली में खोला गया है। मतलब इसमें वही है कि जैसे कुछ महिलाओं के जो
प्रेगनेंसी के बाद अगर आप देखें तो जो मिल्क नहीं जैसे मिलता है बच्चों के लिए उनके लिए, उनके लिए वहां पे ये है कि कुछ महिलाएं अपना मिल्क ये डोनेट कर सकती हैं, तो ये ह्यूमन मिल्क बनाया जाएगा, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 6 महीने तक जो ये महिलाओं के मिल्क पे ही रखा जाता है, तो इसलिए ये बनाया जा रहा है। नॉर्वे की इसमें ये नॉर्वे का सहयोग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगीज फुटबॉलर कौन है जिनको कि यूईएफए प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है तीसरी बार चौथी चौथे साल में, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनको फीफा बेस्ट प्लेयर का भी अवार्ड मिला था, बैलून डी अवार्ड भी मिला था इनको, और इनको ये वाला यूईफा प्लेयर ऑफ द अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईनेम प्रो ये किससे रिलेटेड है? देखिए आईनेम प्रो रिलेटेड है किससे? सीमेंट के लिए है ये, सीमेंट अगर आपको ये सीमेंट का अपग्रेडेड ये सब प्राइस वाइज पता करना था, वैसे ही एक आईनेम प्रो प्लस है, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उन सबके बारे में आप इससे जानकारी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि आईनेम प्रो किससे रिलेटेड है, किसकी ट्रैकिंग करेगा। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया सैटेलाइट जिसको बोला गया GSAT-9, इसको स्टार्ट किया गया 5 मई 2017 को, लॉन्चिंग व्हीकल था इसमें GSLV-F09, और इसमें पाकिस्तान नहीं है, साउथ एशिया में जो सार्क कंट्रीज हैं जैसे हमारी MBBS पेन उसकी जो ट्रिक है उसमें से पेन वाला जो पी है वो नहीं है, बाकी सब है, अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान नेपाल मालदीव और श्रीलंका ये सभी है सार्क सैटेलाइट में, सॉरी सार्क ये पहले सार्क सैटेलाइट बोल हो रहा था, अब ये साउथ एशिया सैटेलाइट हो गया GSAT-9। तो ये आप याद रखेंगे ठीक है। जब मोदी जी बने थे प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने सबको बुलाया था और बोला था कि सार्क सैटेलाइट हम बनाएंगे, एक टीम जो सार्क समिति थी उसमें भी ये बोला गया था, हालांकि पाकिस्तान नहीं रह पाया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट क्राउडेड सिटी, सबसे ज्यादा क्राउडेड सिटी यूएन हैबिटेट की रिपोर्ट के हिसाब से है ढाका, और सेकंड नंबर पे है मुंबई, याद रखेंगे। ये है मुंबई में 31,700 लोग रहते हैं स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में, मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी है। पूरे दुनिया की सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है मोनेको में, ये आप याद रखिएगा, और ये साउथ एशिया में सबसे ज्यादा किसकी है? सिंगापुर में, ठीक है, ये दोनों चीज याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ये डेटा पब्लिश किया है, ये 30 स्टेट को उनका क्या गवर्नेंस का लेवल है इसके लिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स बनाया गया है, और इसमें टॉप का स्टेट है 2017 के हिसाब से केरल नंबर 1 पे रहा है, ठीक है, केरल फिर तमिलनाडु फिर गुजरात फिर हिमाचल प्रदेश फिर कर्नाटक। ये है ऑस्कर अवार्ड की पूरी समरी जो आपको याद रखनी है। बेस्ट पिक्चर ऑस्कर अवार्ड में किसको मिला था? ये मिला था मूनलाइट को, ठीक है। देखिए बेस्ट पिक्चर ऑस्कर अवार्ड में भी और गोल्डन ग्लोब में दोनों में मूनलाइट को मिला था, ये आप याद रखेंगे ठीक है। और उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का मिला था डेमी चैजेल को ला ला लैंड के लिए, बेस्ट एक्टर का मिला था कैसी अफ्लेक को, मैनचेस्टर बाय द सी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का मिला था एमा स्टोन को ला ला लैंड के लिए। ला ला लैंड इसमें एक ऑस्कर में 14 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई है, 6 इसने अवार्ड जीते फाइनली। गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ये। बेस्ट मूवी किसको मिला? मूनलाइट को। बेस्ट एक्टर कैसी अफ्लेक मैनचेस्टर बाय द सी, ये ड्रामा वाला है ये। और बेस्ट एक्ट्रेस का मिला इसाबेल हुपर्ट को, और बेस्ट डायरेक्टर डेमी चैजेल को ला ला लैंड के लिए, और बेस्ट एनिमेटेड जो फिल्म थी टूटोपिया, ये दोनों में ही रही है, ऑस्कर में भी यही रही है। आईपीएल का अगर आप देखें आईपीएल की समरी क्या है, इस बार मुंबई इंडियन जीता है 2017 वाला, तीसरी बार टाइटल है ये, तीसरा टाइटल है। आप बताएंगे टीम अभी तक आईपीएल सबसे ज्यादा बार कौन जीत चुकी है टीम, और ऑरेंज कैप किसको मिला? डेविड वार्नर को सबसे ज्यादा रन के लिए, और पर्पल कैप मिला आपको भुवनेश्वर कुमार को सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो प्लेयर था इस मैच इसका बेन स्टोक्स था, ठीक है। फेयर प्ले अवार्ड मिला गुजरात लायंस को, स्टाइलिश प्लेयर का मिला गौतम गंभीर को। नेक्स्ट है ये इंडिया की सबसे बड़ी रोड टनल है ये चेनानी नासरी, इसको पाटनी टॉप टनल भी बोलते हैं, ये अभी स्टार्ट हुई 9.28 किलोमीटर की है जम्मू कश्मीर में NH-44 में। नेक्स्ट देखिए 64 जो नेशनल फिल्म अवार्ड होते हैं उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको करनी है, पहली बात तो इसमें बेस्ट फीचर फिल्म थी कासो मराठी की, बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट था उत्तर प्रदेश, बेस्ट एक्टर का मिला है अक्षय कुमार को। देखिए इसमें बेस्ट फीचर में फिल्म मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड में कासो मराठी की फिल्म थी, बेस्ट फिल्म फ्रेंडली उत्तर प्रदेश को मिला है, रुस्तम के लिए बेस्ट एक्टर का मिला था अक्षय कुमार को, और बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है मीना मिनुंगो के लिए सुरभि सीएम को, और के विश्वनाथ को मिला है इस बार
48th दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये आप याद रखेंगे, दादा साहब फाल्के जो कि फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो है, के विश्वनाथ को मिला है, 48th अवार्ड है, नंबर भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये 62nd है, ये फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे इस बार जनवरी में। बेस्ट एक्टर का किसको मिला था, आमिर खान को। बेस्ट एक्ट्रेस का मिला आलिया भट्ट को। बेस्ट फिल्म थी दंगल, और बेस्ट डायरेक्टर थे नीतीश तिवारी दंगल के लिए। ये देखिए रिपब्लिक डे हुआ था, इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे, ये थे क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी मोहम्मद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। बेस्ट मार्चिंग कंटिनेंट को मिला था, ये कंटिनेंट का CISF को। बेस्ट टैब्ल्यू का मिला था अरुणाचल प्रदेश का याक डांस। बेस्ट टैब्ल्यू मिनिस्ट्रीज में मिला था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को, और स्पेशल प्राइज बाय द ज्यूरी मिला था CPWE को। ये वॉल और वेलोर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टार्ट की किसने, HRD मिनिस्ट्री ने और प्लस डिफेंस मिनिस्ट्री ने। ये इसलिए है कि जो हमारे आज के यूथ हैं, जो हमारे रियल हीरोज हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, इन सब के लिए उनके अचीवमेंट के लिए वॉल बनाई जाएगी, और ये आज का यूथ जाने, ठीक है, ये सिर्फ आजादी के लिए नहीं लड़े, ये भी जाने कि आर्मी वाले और जो हमारी फोर्सेज वाले कितनी मेहनत करते हैं, तब हम लोग यहाँ पे सकून से फ्रीडम ऑफ स्पीच और आजादी के नारे लगा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये BCCI एनुअल अवार्ड 2015-16 का, ये देखिए पूछा गया है, इसमें जो इंपॉर्टेंट वाले वो लिख दिया मैंने। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, राजेंद्र गोयल को और पद्माकर तिवलकर को। देखिए पहली बार एक महिला को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड BCCI का, शांता रंगास्वामी नाम है इनका। स्पेशल अवार्ड BCCI का मिला है वीवी कुमार को, लेट रामाकांत देसाई को। पॉली अमरीगर ये अवार्ड मिला है, तीसरी बार मिला ये विराट कोहली को, ठीक है। आर अश्विन को मिला है दिलीप सरदेसाई अवार्ड इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर के लिए, और BCCI के अवार्ड हुए कहाँ थे, बेंगलुरु में हुए थे। फिर नेक्स्ट है इसमें कि इंडिया की फुल्ली मेड 12 कोच की ट्रेन मेधा, ये भी स्टार्ट हुई थी, और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, दादर से लेके बोरीवली तक, और ये लोकमान तिलक टर्मिनस मुंबई में आई है, ये आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया की पहली फुल्ली इंडिया मेड यानी कि इंडिजिनस ट्रेन कौन सी है, उसका नाम है मेधा, दादर से लेके बोरीवली तक चलाई गई मुंबई में लोकमान तिलक टर्मिनस में। फिर नेक्स्ट है इसमें देखिए ऑपरेशन थंडर किससे रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने चलाया था ये हंटिंग रोकने के लिए, पोचिंग रोकने के लिए, इन सब चीजों के लिए, वाइल्ड लाइफ जो एक्टिविटीज जो क्राइम होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया भर में चलाया गया था ये। नेक्स्ट है ये INS विराट को डिकमीशन कर दिया गया, इसको बोलते थे HMS हर्मिस, ठीक है, और ये इसके इसका एक रिकॉर्ड था कि ये अभी तक लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप है, और इसको डिकमीशन कर दिया गया INS विराट को, जिसको HMS हर्मिस बोलते थे, गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड तक दर्ज था। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इंडिया कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री हो गया है, इंडिया सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है कपास का, और सेकंड लार्जेस्ट हो गया है एक्सपोर्टिंग कंट्री, चाइना को पछाड़ दिया इसने लार्जेस्ट प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सेव कर्मा ऑपरेशन किससे रिलेटेड है, ये ऑपरेशन चलाया गया था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा टर्टल्स को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है आपके में एग्जाम में कि कौन सा ऐसा देश का पहला टाइगर रिजर्व है जो कि अपना खुद का ऑफिशियल मैस्कॉट रखता है, वो है कान्हा टाइगर रिजर्व, और जिसका जो मैस्कॉट का नाम क्या है, भूर सिंह दा बारा सिंगा, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसमें ईयर ऑफ ओनर प्रेडिक्शन, ये ऑब्जर्व किया जाएगा एक साल मिड 2017 से लेके मिड 2019 तक, ताकि जो पोलर है ये पियर है इनको बचाया जा सके। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय 45th है, मैंने आपको बताया जस्टिस दीपक मिश्रा है। और ये नेक्स्ट है इसमें कि अभी एक पिंडी करके ये लॉन्च किया गया है ये नासा के द्वारा रॉकेट मिशन, और ये क्या करेगा, ये अपर एटमॉस्फेयर को में जो डिस्टरबेंस होते हैं उसको स्टडी करेगा, और ये कहाँ पे, ये मार्शल आइलैंड के आसपास, ठीक है। पिंडी ये पूछा सकता है कि जो पिंडी है इसको किसने लॉन्च किया, ये नासा ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी देखिए GI स्टेटस मिला है, ठीक है, दो को मिला है, एक पहले यहाँ पे देख लेते हैं, एक है बंगना पंडी जो कि मैंगो है, ठीक है, उसको कहाँ का स्टेट, वो कौन सा स्टेट है वो आप बताइए, मैंने अभी क्विज में बताया था आपको। और दूसरा ये GI स्टेटस मिला है गोविंदो भोग राइस को, जो कि गोविंदो भोग चावल यानी कि वेस्ट बंगाल को मिला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम हुए थे उसका वेन्यू क्या था, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, और उसमें इंडिया ने बहुत सारे मेडल जीते, 321 के करीब
ठीक है, पुलिस गेम्स में इंडिया ने 321 मेडल जीते, 151 गोल्ड, 99 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज। फिर नेक्स्ट है इसमें कि इंडिया का पहला मिस ट्रांस क्वीन ये कहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित हुई, ये गुड़गांव में हुई यानी कि गुरुग्राम में हुई, और इसकी विजेता थी निताशा विश्वास कोलकाता की। नेक्स्ट है इसमें कि जो रूरल गेम्स है यानी कि ग्रामीण खेल महोत्सव, उसका पहला एडिशन कहाँ पे किया गया, इसका वेन्यू था ये नई दिल्ली। नेक्स्ट है इसमें राइट टू प्राइवेसी को आप बोल दिया गया है कि ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में आता है यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाले में आता है, और इसके लिए जिस बेंच ने किया ये जो केस था, मतलब वो था जस्टिस के एस कुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखेंगे आप ये। फिर जो ट्रिपल तलाक में अभी बैन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका केस का नाम था शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा। अभी बहुत स्ट्रांग टाइफून आया था चाइना में, तबाही मचाई थी मकाऊ और हांगकांग वाले रीजन में, उसका नाम था हाटो हाटो। फिर नेक्स्ट है इसमें नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एयर इंडिया के अब राजीव कंसल हो गए हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो टमरा मोबाइल ऐप है वो किससे रिलेटेड है, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने स्टार्ट किया, और ये बेसिकली जो ट्रांसपेरेंसी है और प्लस ऑप्शन कैसा हो रहा है उसको मॉनिटर करेगा, ये सब के लिए मतलब कुल मिला के माइनिंग से रिलेटेड है ये टमरा, कि माइनिंग का क्या स्टेटस चल रहा है, इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, क्या स्टेटूटरी क्लियरेंस है इसमें, कैसा मिला है ये, क्या स्टेटस है मतलब किसी प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट है इसमें कि आईएमएफ का साउथ एशिया रीजनल ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर ये कहाँ पे खोला गया, दिल्ली में, ये क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे खोला गया, दिल्ली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसरो से डायरेक्टली मैंने उठाई है ये। पीएसएलवी C-37 ने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके, इससे पहले जो नासा का प्लस जो रशिया का नेपर जो एजेंसी है वहां की, दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसमें एक था कार्टोसैट 2, और ये देखिए 39th फ्लाइट थी और 38 कंसेक्यूटिवली सक्सेसफुल रिजल्ट था। देखिए इसमें वही चीज पढ़िए जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखी है, मैं इसमें ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, एग्जाम वाली चीज मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपका टोटल वेट था 1378 किलोग्राम और 103 पैसेंजर सेटेलाइट थे, टोटल इसमें सेटेलाइट 104 थे, और उनमें से आप देखें तो एक तो कार्टोसैट 2 हो गया और प्लस दो छोटे छोटे नैनो सेटेलाइट भी थे, उनका नाम था INS-1 और INS-2, और जो बाकी बचे 101 उसमें सबसे ज्यादा थे यूएसए से, ये आप याद रखिएगा, और बाकी एक नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इसराइल, कजाकिस्तान और यूएसए थे, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये वाली चीजें याद रखने वाली थी। नेक्स्ट है इसमें कि अभी एयर इंडिया का ये बना दिए गए हैं, ये देखिए इनको अपॉइंट किया गया, किसको, एयर इंडिया के अभी राजीव बंसल को कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं, इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी कि PMDDSA ये किसने स्टार्ट की गई है, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को इसमें डिजिटल लिटरेसी में बनाया जाएगा, ज्यादा अवेयर किया जाएगा, डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब देखिए बेसिक भाषा में ये समझिए कि आज भी बहुत सारे गाँव में ऐसे घर है जहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, और वहां पे लोगों को डिजिटल पेमेंट, DBT ये सब कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, कहाँ जिंदगी चल रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कितनी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, उससे रिलेटेड ये सब चीजें बताएंगे उनको कि कैसे आप PPT यूज करो, कैसे मोबाइल चलाओ, कैसे ऐप चलाओ, ये सब बेसिक। लार्जेस्ट डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है पूरी दुनिया का ये, और इसमें 6 करोड़ लोग जो हाउस होल्ड है उनको लिटरेट किया जाएगा। 2351 करोड़ की योजना है टोटल, पहले साल में 2016-17 में 25 लाख, फिर 2.75 करोड़ 2017-18 में, फिर 3 करोड़ 2018-19 में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है नीति आयोग और DIPT और CII का, इसमें स्टेट्स की रैंकिंग होगी इनोवेशन के बेसिस पे 2017 से। ये क्वेश्चन आ सकता है साथिया किसने स्टार्ट किया गया, साथिया मोबाइल ऐप ये किया गया था एडोलेसेंट के लिए, ठीक है, ये हेल्थ सेक्रेटरी ने किया था, और ये पार्ट है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के, एडोलेसेंट की इंडिया में जो थी 10 से लेकर 19 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ऐसा कौन सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस का जिसको कि अभी 2017 का गांधी फाउंडेशन इंटरनेशनल पीस अवार्ड मिला है, के मिला है अल कमान और रामजी अबू रेदवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रोजेक्ट वंश धारा किससे रिलेटेड है, देखिए कर्नाटक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये, क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट है ताकि और ज्यादा वर्षा लाई जा सके, तो प्रोजेक्ट वंश धारा कर्नाटक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ मिनिस्टर अभी तेलंगाना के जिनको की ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला,
मिला के चंद्रशेखर राव को, सी के सी राव को। इंडिया ओरिजिन है ये पॉय, इसका आईक्यू ये पाया गया 162, इसका नाम था राहुल दोषी। फिर ये है कि अभी देखिए ये इंफोसिस के सीईओ हट गए हैं, विशाल सिक्का बन गए यूबी प्रवीण राव। पंजाब में इंडिया का पहला पार्टीशन म्यूजियम खोला जाएगा अमृतसर में, ये आप याद रखिएगा, वन लाइनर डायरेक्टली ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि जर्मन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर जिसने अभी रोजर कप टूर्नामेंट जीता, टेनिस टूर्नामेंट ये रोजर फेडरर को हरा के जीता है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव करके है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि स्पेन में अभी बार्सिलोना में अटैक हुआ था। नेक्स्ट है इसमें मिल्खा सिंह को ये गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, फिजिकल एक्टिविटी इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए, ठीक है, WHO ने बनाया है। नेक्स्ट है इसमें शी मीन्स बिजनेस करके एक स्कीम है, फेसबुक ने स्टार्ट की है और ये उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ की है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि अभी एक ये किस राज्य ने रिलीजियस फ्रीडम बिल ये अभी पास किया है ताकि फोर्स कन्वर्जन को रोका जा सके, झारखंड ने किया ऐसा कि आप जब किसी का बात करें। देखिए अभी तक ये ओपी भी अगर आप देखें ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल तो अभी तक पांच आ चुके थे, ये पांचवा आया है ये, इसका नाम है ICGS सौर। इनसे पहले समर्थ थे, शूर थे, सारथी थे और शौनक थे। फिर नेक्स्ट है ये पोलियो फ्री अभी किस कंट्री को कर दिया गया है WHO ने, क्योंकि इसने 3 साल में कोई रिकॉर्ड नहीं किया, सोमालिया को कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि ये रियल मैड्रिड ने अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा के UEFA सुपर कप 2017 का जीता था, और ये स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। नेक्स्ट है इसमें कि किस कंट्री ने वीजा रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है 80 देशों के नागरिकों के लिए, और उनमें से इंडिया भी एक है, वो है कतर। कतर का एक्चुअली बायकॉट भी हुआ था, तो इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा ये समझ सकते हैं यहाँ से इन्फ्लुएंस है ये कि इन लोगों ने अपना वीजा रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। देखिए अभी CBFC के जो नए चेयरपर्सन हो गए प्रसून जोशी, बहुत फेमस है ये, कवि है ये और प्लस स्क्रीन राइटर है। टी राजीव कुमार को ये बना दिया गया है नया वाइस चेयरमैन, बना दिया गया है नीति आयोग का, टी राजीव कुमार, तो सॉरी राजीव कुमार को अरविंद पनगरिया की जगह पे। नेक्स्ट है इसमें पहला स्पेशियल इन्वायरमेंट रिसर्च व्हीकल वीनस नाम इसका है, किसका है ये, इसराइल का है ये। नेक्स्ट है कि आप ये देखिए इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे आ रही है, हैदराबाद में आने वाली है, और ये जो इंडिया की कल्याणी ग्रुप है और प्लस इसराइल का जो राफेल है उनके साथ कोलेबोरेशन होकर बनाया है। तो इंडिया का ये पहला प्राइवेट सेक्टर मिसाइल सब सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कल्याणी ग्रुप इसराइल के राफेल के साथ मिलकर बनाएगा, कहाँ से पे बनाएगा ये, हैदराबाद में। फिर पद्म अवार्ड की कुछ लिस्ट है आप देख लीजिए एक बार जरा। देखिए इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो भारत रत्न है, सेकंड नंबर पे आता है भारत पद्म विभूषण है ये, एक बार मैंने पद्म बोल दिया था तो कई लोगों को दिक्कत हो गई, इसका प्रोनंसिएशन पद्म नहीं होता है, यस आई नो, इसका प्रोनंसिएशन होता है पद्म, ठीक है। पद्म विभूषण अभी मिला है कितने लोगों को, 7 लोगों को मिला है, पब्लिक अफेयर्स के लिए शरद पवार, मुरली मनोहर जोशी, पी ए संगमा को और सुंदर लाल पटवा को। आर्ट के लिए मिला है के जे येसुदास को, स्पिरिचुअलिज्म के लिए मिला है सदगुरु जस्सी वासुदेव को, और साइंस और इंजीनियरिंग के लिए मिला है UR राव को। आप देखिए पद्म भूषण भी काफी इंपॉर्टेंट है, पद्म श्री तो नहीं याद कर पाएंगे, बहुत ज्यादा मिले हैं 70 के करीब, पद्म विभूषण और भूषण याद कर लीजिए। आर्ट म्यूजिक का मिला विश्व मोहन भट्ट को, देवी प्रसाद द्विवेदी को, और ये मिला है महा ये चक्री सिद्धन को, चो रामास्वामी को लिटरेचर और एजुकेशन के लिए। मेडिसिन के लिए तेमेंतन उदवादिया को, स्पिरिचुअलिज्म के लिए पद्मा सुंदर महाराज को, योगा के लिए स्वामी निरंजन नंद सरस्वती को, तो ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि अभी आर्मी के लिए, इंडिया की आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, आर्मी के जवानों के लिए अभी एक ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है हमराज, ताकि वो अपनी पोस्टिंग प्रमोशन और पे स्लिप ये सब देख सके, फॉर्म 16 ये सब देख सके। नेक्स्ट है अभी की अभी नया प्राइम मिनिस्टर ये पाकिस्तान के बने हैं, ये नवाज शरीफ के रिजाइन करने के बाद, शहीद खानन खाकन अब्बासी नाम है इनका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अभी ये पुष्प मित्र भार्गव ये कौन थे, इनकी डेथ हो गई थी, साइंटिस्ट है ये। 2016 अभी तक का वार्मेस्ट ईयर है ऑन रिकॉर्ड, ये आप याद रखिएगा। फिर ये नेक्स्ट है इसमें ई रकम क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने के लिए, और ये किसने स्टार्ट किया, MSTC ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फूड ब्रिज ये कहाँ पे किस देश ने में खोला गया, स्विट्जरलैंड में।
का सबसे लंबा सस्पेंशन फुटब्रिज खोला गया स्विट्जरलैंड में। फीफा अवार्ड मेन देख लीजिए, मेन वाला तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है, अभी मैंने पहले ही बताया था आपको, जो कि पुर्तगाल के हैं। और वोमेन प्लेयर मिला है किसको, कार्ली रॉयड को, यूएसए को। कोच मिला है क्लाउडी रेनिएकर को इटली के। मेन इतना ही है बस, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है ये फैलकाओ को कोलंबिया के। फिर नेक्स्ट है इसमें कि कौन कौन से केमिकल अभी बैन कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि ये आतिशबाजी में और फायर क्रैकर्स में यूज ना हो सके। एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक और लेड, इनको कर दिया गया है आपका सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है, ठीक है। एंटीमनी, लिथियम, मरकरी और आर्सेनिक और लेड, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देखिए इसको ट्रिक भी बनाई जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में को मलाल है आतिशबाजी के लिए, तो देखिए मलाल से क्या हो जाएगा, एम से मरकरी, ए से एंटीमनी, एल से लिथियम और एम ए एल ए एल यानी आर्सेनिक और लेड, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का ये एंथम अभी लॉन्च किया गया है, किसने बनाया है ये, स्क्रिप्ट किया है प्रसून जोशी ने और कंपोज किया शंकर महादेवन ने, और इसका नाम है स्वच्छता की जोत 2018 की, याद रखेंगे आप। जस्टिस पी एन कृष्णा, एक श्री कृष्णा, ये कमिटी बनाई गई थी ताकि जो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड इश्यूज है उनको आपको स्टडी किया जा सके। नेक्स्ट है ये उस्ताद सैयदुद्दीन, देखिए उस्ताद सैयदुद्दीन दगर है, ये ध्रुपद फैमिली के हैं, अभी इनकी डेथ हो गई थी, उनसे रिलेटेड न्यूज है। नेक्स्ट है इसमें रॉकेट जो कि ये लो अर्थ सैटेलाइट में ये कैपेबल है ये लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट्स को, उसका नाम है, ईरान ने ये स्टार्ट किया है और ये सिमोग करके। फिर देखिए एक सागर वाणी करके एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, ताकि कोई भी ओशियन रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या एडवाइजरी हो, कोई भी अगर डेंजर आने वाला हो कोई ये सब, तो ये हाई वेव अलर्ट है या सुनामी है अर्ली वार्निंग, तो सागर वाणी से आपको मिल सकता है, मोबाइल ऐप मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने किया है स्टार्ट। फिर देखिए रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम की एक मेमोरियल बनाया गया तमिलनाडु, क्योंकि यही पे इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है एक आरंभ ऐप है, और ये क्या करेगा, परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस करेगा रूरल रोड का, जो ग्रामीण एरिया में रोड होती है उनके लिए बनाया गया है आरंभ करके एक ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बनाया। नेक्स्ट है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने यूएस ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड जीता, ये है एच एस प्रणॉय और परमवीर कश्यप को हरा के जीता। ये नेक्स्ट है इसमें जैसे प्रोफेसर यशपाल, ये इनकी डेथ हुई थी, ये फॉर्मर चेयरमैन थे यूजीसी के, फिर ये इसरो के चेयरमैन थे प्रोफेसर यू आर राव, ठीक है, इनको पद्म वाला पुरस्कार भी मिला था इस बार। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, ये क्या है, ये 1,00,000 टन का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट है जो कि यूएस नेवी ने बनाया है, ठीक है। फिर अभी एक रिक्रूटिंग ऐप बनाई है गूगल ने और इसका नाम है हायर, इसलिए बनाई गई स्मॉल और जो मीडियम साइज बिजनेस एंटरप्राइज है उनके लिए। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर फिर से बन गए टी आर जेलियांग, 3 महीने का गैप था इनका, फिर से बन गए ये। अभी भारत का जो ये भारत अरुण को बनाया गया बॉलिंग कोच इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम का। फिर नेक्स्ट है इसमें इंडिया ने अभी एक लॉन्च किया है अगावीन विलेज में सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ पे, इजिप्ट में है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला बायोमिथेन बस, ये कौन बना रही है, किस कौन सी कंपनी ने बनाया है, ये बनाया है टाटा मोटर्स ने। फिर नेक्स्ट है इसमें कि अभी यूनियन जो मिनिस्टर है टेक्सटाइल की, उनको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वाला भी चार्ज दे दिया गया, स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है इसमें कि नर बहादुर भंडारी, इनकी डेथ हो गई, ये सिक्किम के सीएम थे। नेक्स्ट है इसमें कि आपका ये जो ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे खोला गया है, वाराणसी में उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है इसमें कि यूनिसेफ का नया गुडविल एम्बेसडर बनाया गया लिली सिंह को, इंडियन ओरिजिन की है, काफी फेमस यूट्यूबर है, सुपर वुमन नाम से आप यूट्यूब वाले लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है इसमें सरस्वती नाम की एक मैसिव सुपर क्लस्टर गैलेक्सी का फाउंड किया गया है, और इसको फाउंड किसने किया है, मतलब पाया गया है ये इंडिया के, जैसे ये इंडिया की ये आप देख सकते हैं इसमें IUCAA और प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और प्लस NIT जमशेदपुर ने मिलकर, तो सरस्वती क्या है, ये सुपर क्लस्टर है गैलेक्सी का, ये पूछा जा सकता है। लियू ज़िओबाओ की डेथ हो गई, ये चाइनीज लिटरेरी राइटर थे। फिर नेक्स्ट है इसमें इंडिया ने अभी एक
फाइनेंशियल एड अनाउंस किया है, ये ग्रांट किया है 5 लाख डॉलर का फिलीपींस को ये आईएस जो टेरर ग्रुप है उससे लड़ने के लिए। नेक्स्ट है इसमें कि चाइना अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस किस कंट्री में बना रहा है, ये बना रहा है आपका जिबूती में, अफ्रीका में। नेक्स्ट है इसमें कि मिताली राज ने ये रिकॉर्ड बना दिया है इसका, हाईएस्ट, ये पहली ऐसी प्लेयर है महिला में जिन्होंने 6,000 रन कंप्लीट कर लिए हैं ओडीआई में, ठीक है। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ये कैरोलेट एडवर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अभी आप मतलब इस समय टॉप के अगर रन स्कोरर देखें पूरी दुनिया में महिलाओं में तो मिताली राज है। नेक्स्ट है इसमें कौन सा ऐसा राज्य है जिसने की मिनिमम क्वालिफिकेशन ये कर दिए अनाउंस, ये अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इलेक्शन लड़ना है तो वो है इंडिया में राजस्थान। राजस्थान में ही जनरली ये सब चीजें हुई है, जो भी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली चीज है, जैसे पंचायत वाला भी और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला भी। अभी इंडिया क्रिकेट टीम का कोच बना दिया गया रवि शास्त्री को कुंबले की जगह पे। फिर यूनेस्को की कौन सी हेरिटेज साइट है जो जॉर्जिया में है जिसको कि अब रिमूव कर दिया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, मतलब अब ये डेंजर में नहीं रहेगी, उसका नाम है गिलाटी मोनास्ट्री। नेक्स्ट है इसमें कि कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया का जिसको नंबर वन रैंक किया गया है कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, वो है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ रायपुर में। नेक्स्ट है इसमें एक आयकर सेतु नाम का एक टैक्स पेयर सर्विस मॉड्यूल बनाया गया था और इसमें बहुत सारे टूल्स थे, टैक्स टूल थी, लाइव चैट फैसिलिटी थी, ये किसने स्टार्ट किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है ये मालाबार 17 जो हुई है ये किसके किसके बीच में हुई है, नेवी इंडिया की, यूएस की और प्लस जापान की, बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट है इसमें G20 का जो समिट हुआ था वो हुआ था इस बार का जर्मनी में हैमबर्ग में, और G20 जो 2017 की थीम क्या थी, शेपिंग एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया की ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में रैंकिंग कितनी थी, 23rd थी और इसको टॉप किया था यूएस ने, और ये रिलीज किसने की थी, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ने। नेक्स्ट है इसमें हर हाथ एक किताब स्कीम ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने स्टार्ट की है स्नैपडील के साथ, कि ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको आप लोग चाहें तो स्नैपडील में डोनेट करके ये दे सकते हैं इनको, और ये लोग बुक बांटेंगे नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलके। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए हैं अचल कुमार ज्योति। नेक्स्ट है इसमें कौन सी ऐसी इंडियन टेलीकॉम कंपनी है जिसने एशिया, यूरोप, अफ्रीका एक सबमरीन केबल सिस्टम किया है जो कि लॉन्गेस्ट है, 100 GBPS है इसकी स्पीड और ये करीबन 25,000 किलोमीटर का है ये टोटल इसकी लेंथ, ये है 25,000 किलोमीटर की लेंथ फ्रांस से लेके हांगकांग तक, ये किसने किया है, ऑब्वियसली जियो ही करेगी इसको। अभी तक का एक दिन में हाईएस्ट ट्री प्लांटिंग का रिकॉर्ड था उत्तर प्रदेश का, 5 करोड़ ट्री इन्होंने किए थे और ये मध्य प्रदेश ने तोड़ दिया, 6.6 करोड़ ट्री प्लांट किए थे सिर्फ 12 घंटों में मध्य प्रदेश ने, तो इस समय हाईएस्ट रिकॉर्ड होल्डर है ट्री प्लांटेशन के मामले में मध्य प्रदेश। फिर कौन से आईपीएस ऑफिसर हैं तेलंगाना के जिनको की 2017 का ट्रैफिकिंग इन ये पर्सन रिपोर्ट हीरोज वाला अवार्ड दिया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने, इनका नाम है महेश मुरलीधर भागवत। नेक्स्ट है इसमें कि 2017 का फीफा कॉन्फेडरेशन कप किसने जीता है, जर्मनी ने जीता है चिली को हरा के, और ये हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल। फिर नेक्स्ट है इसमें कौन सी नवरत्न पीएसओ है जिसने की अभी स्मार्ट रीडेवलपमेंट ऑफ 10 रेलवे स्टेशन, मतलब ये 10 रेलवे स्टेशन को स्मार्ट तरीके से रीडेवलप करेगी, एनबीसीसी, ये है जो नवरत्न है। नेक्स्ट है इसमें कि वर्ल्ड बुक कैपिटल 2019 की कर दिया गया शारजा को, देखिए ये यूएई की सिटी है, 2016 से लेके 19 तक आप देख लीजिए वर्ल्ड बुक कैपिटल किसको किसको किया गया है, 2016 में किया गया था रोपला करके है ये पोलैंड को, 2017 इस बार की कोनाक्री है रिपब्लिक ऑफ गिनी की, एथेंस से 2018 की ग्रीस में है ये, शारजा है ये यूएई में, तो चारों याद रखिएगा, 2017 की कौन सी, कोनार्की, गिनी में है ये, एथेंस है 2018 की और 2019 की है शारजा। नेक्स्ट है इसमें कि देश बंधु गुप्ता जिनकी डेथ हो गई लुपिन से एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट है ये फेमिना मिस इंडिया 2017 का अवार्ड मिला है मानुषी छिल्लर को जो कि हरियाणा की है और ये अवार्ड मिला था मुंबई में। नेक्स्ट है इसमें आपका नया एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए किया गया है और इसका बेसिक पर्पज है कि पब्लिक जो सर्विसेज होती हैं डिलीवरी मैकेनिज्म उसको इम्प्रूव करना और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन देना, इसका नाम है कॉमिट।
ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन मॉड्यूल है ये इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए, और ये देखिए जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए दिया जाएगा। और ये किसने स्टार्ट किया है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, कॉमिटेक ये है उन्होंने मॉड्यूल किया है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को बताया जाएगा कि कैसे आप पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को इम्प्रूव करो और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक कस्तूरी रंगन, आप बनाएंगे फाइनल ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसमें कि इंडियन बैडमिंटन प्लेयर कौन है जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया का ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट जीता था, ये चाइना के चेन लांग को हरा के, किदंबी श्रीकांत। नेक्स्ट है इसमें कन्याश्री प्रकल्प करके एक योजना है वेस्ट बंगाल की, जिसको अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड, और ये कन्याश्री प्रकल्प योजना थी कि जो स्टेटस ऑफ गर्ल है उनको इम्प्रूव किया जाता है, बालिकाओं के लिए ये इम्प्रूवमेंट के लिए है स्कीम ये कन्याश्री प्रकल्प। नेक्स्ट है अंकित कवाट्रा, ये एंटी हंगर एक्टिविस्ट है, इनको मिला है क्वींस यंग लीडर अवार्ड यूके ने दिया है। देखिए ओपन डेफिकेशन से रिलेटेड है ये न्यूज, अभी तक 5 एरिया ग्रामीण में है ऐसे जिनको ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया गया है। सबसे पहले था सिक्किम, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, सॉरी फिर केरल, फिर उत्तराखंड, चौथा पांचवा है हरियाणा। ग्रामीण एरियाज में, सॉरी यहाँ पे ग्रामीण नहीं होगा, यहाँ पे अर्बन एरियाज में, यहाँ पे ठीक है ग्रामीण में तो ये 5 हो गए, यहाँ पे अर्बन होगा, ये वाला एक बार करेक्शन कर दीजिए। यहाँ पे ये अर्बन एरियाज में अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ गुजरात और आंध्र प्रदेश ऐसे हैं जिनको ओपन डेफिकेशन फ्री अभी तक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड का पहला ट्रेन जो वर्चुअल ट्रैक में चलेगी सिर्फ, उसको लॉन्च किया है चाइना ने, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इंडिया के कौन से मेंबर हैं जिनको रीनॉमिनेट कर लिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये है जस्टिस तलवीर भंडारी, ये उस उनके भी मेंबर थे जब ये कुलभूषण जाधव का जो केस सुना जा रहा है उनके भी पैनल में है ये। फिर ये पालद्वीन लोज डाले करके ये प्रेसिडेंट थे वनुअतु की डेथ हो गई। किदांबी श्रीकांत ऐसे पहले इंडियन बन गए जिन्होंने इंडोनेशिया सुपर सीरीज जीती है, ये आप याद रखेंगे। फिर ये पांचवा भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड 2017 का मिला येशे दोर्जी सोंगची को, जो कि अरुणाचल प्रदेश के राइटर है। नेक्स्ट है इसमें रत्नागिरी नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, जहां पे IOCL, BPCL और HPCL ने एक ज्वाइंट डिसीजन लिया है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिफाइनरी बनाएंगे महाराष्ट्र में रत्नागिरी। नेक्स्ट है इसमें चाइना का पहला एक्सरे मॉड्यूलेशन टेलीस्कोप का नाम है इनसाइट, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2017 वाला मिला है अ हॉर्स वॉक्स इन टू अ बार के लिए डेविड ग्रॉसमैन को, जो कि इसराइल के हैं। नेक्स्ट है इसमें कि हेलमुट कोल, ये चांसलर थे जर्मनी के, और ये इनको इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने जर्मनी के रीयूनिफिकेशन में काफी बड़ा रोल प्ले किया था, और ये जो क्रिएशन हुआ है यूरोजोन का, यूरोजोन में कितने मेंबर हैं ये आप बताइए, और यूरोपियन यूनियन में भी कितने मेंबर हैं ये आपको रटा होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कि पीएन भगवती की डेथ हो गई, जस्टिस पीएन भगवती जी की, जिन्होंने इंडिया में PIL का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये। नेक्स्ट है इसमें ऑसिन डेक्स एक नेवी की एक्सरसाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये आप याद रखेंगे। एक अनु यात्रा करके इनिशिएटिव लॉन्च किया है केरला ने, ये किसके लिए? मैनेजमेंट करने के लिए डिसेबल्ड जो भी लोग हैं, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने, केरला गवर्नमेंट ने किया है अनु यात्रा, ये आप याद रखेंगे। ये केरल में 2 मेगा फूड पार्क की ये स्थापना की गई पलक्कड़ और अल्लापूजा में। नेक्स्ट है इसमें सहारा लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है, अब इसको IRDA ने टेक ओवर कर लिया है, ये जो पॉलिसी होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट है ये प्रोजेक्ट जल संचय, ये बिहार का एक प्रोजेक्ट है और इसको सिलेक्ट किया गया है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। इसका ये जल संचय स्टेट, ये बिहार स्टेट का है। नेक्स्ट है इसमें केवल ऐसा ये इंडियन स्पोर्ट्समैन जो कि 2017 की फोर्ब्स जो लिस्ट है हाईएस्ट पेड एथलीट की, वो है विराट कोहली, रैंक 89 पे है, टॉप की लिस्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉलर। श्रीलंका के पहले ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जिनको ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया, वो है मुथैया मुरलीधरन। नेक्स्ट है इसमें कुछ ये स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है ग्लोबल टोबैको कंट्रोल के लिए श्री JP नड्डा जी को, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है इसमें तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट, तेलंगाना राज्य सरकार ऐसी पहली राज्य सरकार हो गई इंडिया में
जो कि सिंगल वुमेन को भी पेंशन देगी 1,000 रुपया। नेक्स्ट है इसमें ग्रीन प्रोटोकॉल, जो वेडिंग सेरेमनी होती है शादियों में ग्रीन प्रोटोकॉल लगाने वाला पहला स्टेट बन गया है केरल। और इसमें जो प्लास्टिक से रिलेटेड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है चीजें वो बैन की जाएगी और प्लस इसमें अवार्ड भी दिया जाएगा। तो ऐसा ग्रीन प्रोटोकॉल शादियों के लिए आया है केरल में। नेक्स्ट है पहला प्रोजेक्ट जो रूरल एलईडी स्ट्रीट लाइटनिंग का है वो किया है, ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, ये रूरल एलईडी स्ट्रीट लाइटनिंग की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि आंध्र प्रदेश में कौन सा ऐसा प्लेस है जिसको कि एमजी नरेगा एनुअल अवार्ड मिला है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एमजी नरेगा एक्ट को 2015-16 में, वो है ये विजयनगरम, विजयनगरम। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि ये पहला ग्रांड प्रिक्स गोल्ड जीता है इन्होंने थाईलैंड का, थाईलैंड ओपन का, ये है शाही प्रणीत, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, इनका पहला ग्रांड प्रिक्स है ये। नेक्स्ट है जिरकॉन नाम की एक ये हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है रशिया ने, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है उसको इंटरसेप्ट करना। नेक्स्ट है इसमें उड़ीसा में कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे पहला मेगा फूड पार्क किया गया, ये रायगढ़। नेक्स्ट है इसमें पहले इंडियन जो कि नॉमिनेट हुए हैं मेंबर ऑफ अंपायर एंड रेफरीज कमिटी में, वो है गणेशन नीलकंठा अय्यर। नेक्स्ट है इसमें इंडिया का पहला ऑटोमेटिक कोस्टल वार्निंग सिस्टम डिजास्टर के लिए, ये किस स्टेट में किया गया है, उड़ीसा में, ये आप याद रखिएगा। देखिए बहुत लंबा वीडियो होगा ये, मैं एक ही में खत्म करूंगा क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि वो पूरी सीरीज हो नहीं पाती, तो इसलिए पूरा एक साल की इसी में पूरी कंप्लीट होगी, तो आप लोग पॉज कर करके देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है इसमें कि पेरिस क्लाइमेट डील से विड्रॉ कर लिया यूएस ने। नेक्स्ट है अभी नए पीएम बने नेपाल के शेर बहादुर देवबा। नेक्स्ट है इसमें कि जो जीका वायरस इन्फेक्शन है इंडिया में, पहला केस कहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया, रिपोर्ट किया गया अहमदाबाद में। नेक्स्ट है इसमें कौन सा स्टेट है जहाँ पे डॉक्टर की जो एज है 60 से 62 कर दी गई, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है कि आपका ये दसारी नारायण राव इंडियन फिल्म डायरेक्टर ये थे ये। फिर ये दरवाजा बंद अभियान किया गया है ताकि आपको ओपन डेफिकेशन से फ्रीडम मिल सके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने किया है और ये स्वच्छ भारत मिशन के अंडर है। और दूसरी बात ये कि इसमें अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा भी एसोसिएटेड है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें देखिए दरवाजा बंद अभियान याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन जी और अनुष्का शर्मा है और ये ओपन डेफिकेशन से फ्रीडम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का अभियान है ये। नेक्स्ट है इसमें नजमा हेपतुल्ला जी को बनाया गया है चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का। सुधीर मान कप नेक्स्ट है इसमें 2017 वाला बैडमिंटन से रिलेटेड है, जो वो किसने जीता है, वो है जीता है साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने ये चाइना को हरा के जीता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सुधीर मान कप किसने जीता है, बैडमिंटन से रिलेटेड साउथ कोरिया ने। साइक्लोन मोरा आया था कहाँ कहाँ पे, श्रीलंका और प्लस ये अंडमान निकोबार बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नेक्स्ट है चित्रदुर्गा करके एक प्लेस है कर्नाटका में जहां पे ये एरोनॉटिकल टेस्ट ट्रेन बनाई गई डीआरडीओ। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज जो इंडिया में है 9.15 किलोमीटर का, 9.15 किलोमीटर का लोहित रिवर के अराउंड बनाया गया, लोहित रिवर के ऊपर बनाया गया है, ये समझ सकते हैं आप, क्रॉस। और इसका नाम है धोला सदिया ब्रिज या फिर इसको बोलते हैं भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है ये अभी तक का। आगे वैसे एक बिहार में बन रहा है, अगर वो बन जाएगा तो वो हो जाएगा नंबर वन पे। केपीएस गिल की डेथ हो गई, ये आईपीएस ऑफिसर थे पहले और पंजाब पुलिस से एसोसिएटेड थे। रविचंद्रन अश्विन को मिला है सीएट क्रिकेटर रेटिंग इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए अभी ओपेक में हो गए हैं 14 मेंबर और ये 14वां मेंबर बना है इक्वेटोरियल गिनी, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, गुआवा कील। देखिए इक्वेटोरियल को याद करने के लिए 14 मेंबर्स को गुआवा QUIL क्वील और आपका नाइक्स, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, गुआवा क्यूल नाइक्स, ये आप देखिए GUAPA और QUIL और NIKES, ये मैं इसका बता चुका हूँ कैसे आपको क्या क्या नाम याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें आपका कि ये वेन्यू है 2017 का ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये क्या था, कैनकून मेक्सिको। नेक्स्ट है नया डिफेंस सेक्रेटरी बन गए संजय मित्रा। नेक्स्ट है रोजर मूर जो फेमस थे काफी जेम्स बॉन्ड के रोल के लिए, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के अभी नए चेयरमैन है गैरुल हसन रिजवी। नेक्स्ट है इथोपियन के पॉलिटिशियन है, एकेडमिशियन है, जो कि अभी नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं WHO के 5 साल के लिए, इनका नाम है टेड्रोस एडहानोम
येसुस करके। नेक्स्ट है इसमें, असम में कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पे एम्स आने वाला है, कामरूप नाम है उसका। नेक्स्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये कहाँ पे बनाया गया है, ये ऑपरेशनल हुआ है, ये चाइना में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रोहन चक्रवर्ती को मिला है WWF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड, मिला है वाइल्ड लाइफ के लिए। नेक्स्ट है इसमें कि नया बैक्टीरियम फाइंड किया गया है ISES में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो कि थर्मोस्फीयर में लोकेटेड है, और उसको APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे किया गया है, उसका नाम रखा गया है सोली बैसिलस कलामी। नेक्स्ट है इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस प्रोड्यूस की गई थी, और ये कहाँ से कहाँ तक, मुंबई CST से लेके कर्णमाली गोवा तक की गई। फिर नेक्स्ट है इसमें इंडियन एक्ट्रेस कौन है जिनको मिला है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये है जैकलीन फर्नांडिस, ये इंडियन एक्ट्रेस तो नहीं है, खैर इंडिया में वर्क करती हैं, ये हैं श्रीलंका की। नेक्स्ट है इसमें कि फेडरेशन कप 2016-17 फुटबॉल टूर्नामेंट ये कौन जीता है, बेंगलुरु FC, और इसने मोहन बगान को हराया था, कटक में हुआ था ये। नेक्स्ट है इसमें कि जो ये पहली मीटिंग हुई है CM की 5 स्टेट की, इंडो चाइना बॉर्डर से रिलेटेड जो है ये स्टेट, ये जो इंडो चाइना बॉर्डर से रिलेटेड है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये कहाँ पे हुई थी पहली मीटिंग, गैंगटॉक में। सिम्बेक्स एक एक्सरसाइज होती है नेवी सिंगापुर और इंडिया के बीच में, साउथ चाइना सी में। फिर नेक्स्ट है इसमें करवाली करुनिया करके एक है, ये क्या है, इंडिया नेवी का वेस्टर्न नेवल कमांड है ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जनरल मोटर्स ने बोला है कि अब ये अगले साल से, इस साल के एंड से इंडिया में अपने व्हीकल नहीं बेचेंगे, अपनी कार नहीं बेचेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें वुड्रो विल्सन सेंट, ये विल्सन अवार्ड मिला है ये MS चंदा कोचर को, मिस चंदा कोचर को, MD है ये, CEO है ICICI बैंक की। अभी अनिल माधव दावे जी की डेथ हो गई थी, यूनियन स्टेट मिनिस्टर थे एनवायरमेंट के। फिर नेक्स्ट है इसमें कौन सा इंडियन माउंटेनियर है अरुणाचल प्रदेश से जो कि माउंट एवरेस्ट को 5 दिन में 2 बार फतेह किया है, अंशु जम शेरपा नाम है इनका। फिर ये विटले अवार्ड मिला है, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है ये, और इनके वर्क ये प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड मिला इनको, संजय कुप्पी को। फिर नेक्स्ट है इसमें पूर्णिमा देवी वर्मन को भी मिला है विटले अवार्ड, जिसको कि ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं। तो विटले अवार्ड किसको किसको मिला है, संजय गुप्पी को और पूर्णिमा देवी वर्मन को जो कि असम की। फिर नए प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं ये फ्रांस के, इनका नाम देखिए, फ्रांस के इस समय फ्रांस प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन और PM है एडवर्ड फिलिप। इंडिया का बिजिएस्ट जो सबसे व्यस्ततम सिंगल रनवे एयरपोर्ट का अभी दर्जा मिला है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई को, पूरी दुनिया का, ये पूरी दुनिया का सबसे बिजिएस्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट है, 837 फ्लाइट पर डे जाती है यहाँ पे। देखिए फिर नेक्स्ट है कि किस देश ने कैप्टिव ब्रीडिंग डोल्फिन की और वेल्स की बंद कर दी है, वो है फ्रांस। ये मरीन सर्कस के लिए लोग करते थे कैप्टिव ब्रीडिंग, उसको बंद कर दिया गया है। अब नया बेस ईयर बनाया गया है IIP का 2011-12, ठीक है। अब GDP का भी, क्योंकि बेस ईयर चेंज कर दिया गया था, CPI का भी, बाकी सब का भी, तो इसलिए इसका भी चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट है अमिताभ बच्चन को बनाया गया है हेपेटाइटिस का एम्बेसडर साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए, WHO ने बनाया है। नेक्स्ट है इसमें कौन सा मिसाइल सिस्टम है, ये उड़ीसा ने किया है, ये इसराइल से एक्वायर किया है एक्चुअली, सॉरी इंडिया ने एक्वायर किया है इसराइल से, और ये उड़ीसा में आपका ये टेस्ट फायर किया गया, इसका नाम है स्पाइडर। नेक्स्ट है इसमें साउथ अमेरिकन नेशन कौन सा है जिसने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो चल रही थी जीका की वो खत्म कर दी, ब्राजील है वो। नेक्स्ट है इसमें कौन सा ऐसा वैक्सीन है जिसको कि अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो इंडिया का है उसमें इंडक्ट किया गया है, वो है न्यूमोकोनल कंजुगेट वैक्सीन, PCV नाम है इसका। देखिए अभी चार, अभी तक 4 क्रिकेटर ऐसे हैं इंडिया के जिनको की ऑनररी लाइफ मेंबर बना दिया गया है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली और VVS लक्ष्मण चौधरी। फिर थीम थी नेशनल टेक्नोलॉजी डे की जो 11 मई को मनाया गया, उसकी थीम थी टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। पहला हिंदी इंटरटेनमेंट चैनल जो डिस्कवरी चैनल लॉन्च किया उसका नाम है डिस्कवरी जीट। फिर ये नई प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया की, ये बने हैं मून जे इन करके। फिर ये झूलन गोस्वामी ऐसी पहली महिला क्रिकेटर है जिनको की ये देखिए लीडिंग विकेट क्रिकेट, मतलब सबसे ज्यादा विकेट क्रिकेटर लेने वाली महिला पूरी दुनिया में जो है इस समय क्रिकेटर,
वनडे में वो है झूलन गोस्वामी बन गई है, और सबसे ज्यादा रन बनाने वाली मिथाली राज, जो आप याद रखिएगा। फॉर्मेट एक्सरसाइज होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। फिर मैस्कॉट जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के, ये भुवनेश्वर में हुआ था, देखिए एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप भुवनेश्वर में हुआ था, उसका मैस्कॉट था ओली, वो जो ओलिव रिडले टर्टल है वो। नेक्स्ट है इसमें एमा वॉटसन को मिला है पहला जेंडरलेस अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, ब्रिटिश एक्ट्रेस है ये। नेक्स्ट है ये हम देख चुके हैं अभी। फिर ये कौन सा ऐसा प्लेस है महाराष्ट्र में जहां पे इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी फॉर रिन्यूएबल फ्यूल एंड केमिकल ये की गई है, ये की गई है कहाँ पे, राऊ पुणे में। नेक्स्ट है इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहाँ पे जिसको कि अब AFSPA के अंडर ला दिया है, डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया है, असम है वो 3 महीने के लिए। अभी मैंने आपको बताया था कि दो अभी रिसेंटली जो GI स्टेटस किए गए, एक हमने देखा था गोविंदो भोग राइस था, वो चावल था वेस्ट बंगाल को, दूसरा है बैंगना पल्ली जो कि बनाना है ये आंध्र प्रदेश का, ठीक है, ये हमने पूछा था और ये इसी में आंसर मिल गया आपको। पहली वुमेन जो थी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनकी डेथ हो गई, उनका नाम था लीला सेठ। फिर कौन सा ऐसा राज्य है जो पहला हो गया जनवरी से दिसंबर वाले फॉर्मेट में, मतलब अब जो 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला था वो अब नहीं करेगा मध्य प्रदेश फॉलो, अब ये करेंगे जनवरी से दिसंबर, जो ग्लोबल प्रैक्टिस है। नेक्स्ट है इसमें पद्मा वेंकट रमन को मिला है अवैया अवार्ड 2017 का, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दिया है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि कौन सा ऐसा पोर्टल है, ये तरंग समाचार नाम का एक पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग ने स्टार्ट किया है मोबाइल टावर और EMF के इमिशन कॉम्प्लायंस के लिए। फिर देखिए दुबई ऐसा पहला ये सिटी बन गया है पूरी दुनिया का जिसने अपनी खुद की फोन ये स्टार्ट कर ली है, और ये आप याद रख सकते हैं ये जो फोन है इसको सिटी के नाम से जाना जाएगा, और ये डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने। तो दुबई ऐसा पहला शहर बन गया है जिसने अपनी खुद की फोन स्टार्ट कर ली है। फिर ये ट्रांसपोर्टेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड मिला है ये इंडो US पार्टनरशिप के लिए चंद्रबाबू नायडू को। फिर कौन सा ऐसा मीडिएवल का सेंट है जिसकी 1000वीं जो पर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी उसमें पोस्टल स्टैंप, ये सॉरी ये स्टैंप मतलब रिलीज किया गया था, वो है श्री रामानुजाचार्य। फिर आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में पहली जो टीम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो जिसने जीता इस बार टाइटल, ये एजवाल FC है, ये आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है इसने। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वर्क वीक जो है ये WHO ने 24 से 30 अप्रैल तक ऑब्जर्व किया, और इसका जो थीम था वैक्सीन वर्क है था ये। फिर कौन सी ऐसी सेंट्रल अमेरिकन नेशन है जिसने की माइनिंग सॉरी माइनिंग बैन कर दी है मेटल की, एल सल्वाडोर है ये। नेक्स्ट है इसमें कौन सी ऐसी इंडिया की सिटी है जिसने की जो कि इलेक्ट हुई है किसके लिए ये की गई है, ये अमेरिकन प्लानिंग एसोसिएशन का अवार्ड मिला है इनको, प्लानिंग एक्सेलेंस अवार्ड मिला है भुवनेश्वर को, पहली ऐसी सिटी है ये इंडिया की। नेक्स्ट है इसमें कि ये न्यूजीलैंड में एक बनाया गया प्लेस जहाँ पे नासा ने फुटबॉल साइज का एक ये सुपर प्रेशर बैलून स्टार्ट किया है, उसका नाम है वनाका, ये ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि ये इंडियन कॉन्टेस्टेंट जिनको कि मिस टीन यूनिवर्स 2017 का अवार्ड मिला है निराका गोवा में, वो है सृष्टि कौर। फिर नेक्स्ट है एकेडमी अवार्ड जो विनिंग डायरेक्टर थे जोनाथन डे में, उनकी डेथ हो गई। देखिए फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का नाम चेंज करके कर दिया गया बलरामगढ़। फिर ये नेक्स्ट है इसमें कि उड़ान जो स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी जो स्कीम थी वो शिमला से स्टार्ट हुई, शिमला और दिल्ली के बीच में हुई थी वो। प्रोफेसर शंख घोष को मिला है 52वां जनपीठ ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड याद रखिएगा 23 लैंग्वेज में दिया जाता है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में। फिर ये वर्ल्ड मास्टर गेम्स ये ऑकलैंड में किए गए और इसका स्लोगन था फॉर द लव ऑफ स्पोर्ट। नेक्स्ट है इसमें घंटाशाला सॉरी हाँ घंटाशाला नेशनल अवार्ड, ये किसको मिला है, वाणी जयराम को। फिर नेक्स्ट है इसमें कौन से बॉलीवुड एक्टर को 75वां दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है दंगल के लिए, आमिर खान को मिला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें प्रफुल्ल सामंतरा को मिला है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज जो कि उड़ीसा के हैं, ये आप याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2016 का ये विश्वनाथ को मिला, 48 अवार्ड था ये, अभी हम बता चुके हैं आपको। 101 साल की वर्ल्ड जो महिला है ये 101 साल की महिला है चंडीगढ़ की, इन्होंने वर्ल्ड मास्टर गेम 2017 में ये जीता है 100 मीटर का, ये जो अवार्ड है 100 मीटर रेसिंग का, मान कौर नाम है इनका। एक्सरसाइज वरुणा होती है इंडिया और फ्रेंच नेवी के बीच में,
छिंदवाड़ा नाम की जगह मध्य प्रदेश में, जहाँ पे अभी एक्सप्लोजन हुआ था केरोसिन फेयर प्राइस शॉप में, जहाँ पे जो ये जैसे जो पीडीएस सिस्टम में आती है, जहाँ से ये राशन में जो मिलता है, छिंदवाड़ा में हुआ था ये। फिर ये इटली के मेयर है जिनको कि यूनेस्को का पीस प्राइज मिला है, उनका नाम है यूसिपिना निकोलिनी। फिर नेक्स्ट है इसमें तमिल ऑथर जिनको कि ये अवार्ड किया गया है, जिनको मिला है साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है मथुरो भगन वन पार्ट वुमेन के लिए, और इसको ट्रांसलेट किसने किया, अनुरत्तन वासुदेवन ने। तो ये किसकी बुक थी, ये पेरुमल मुरुगन की। देखिए इस बार जो सिविल सर्विसेज डे था उसकी थीम थी मेकिंग न्यू इंडिया। फिर बेंगलुरु के एथलीट हैं जो कि पहले विजुअली इम्पेयर्ड इंडियन एथलीट बन गए हैं, ये बॉस्टन मैराथन को कंप्लीट करने वाले, सागर पहेती नाम है इनका, पहले विजुअली इम्पेयर्ड है सागर पहेती। अब देखिए आगरा एयरपोर्ट का नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। फिर ये है कि पडुरु गुरु राजा भाट मेमोरियल अवार्ड 2017 वाला किसको मिला है, एबी नरसिम्हा मूर्ति को। फिर नेक्स्ट है इसमें कि कौन सा आईटी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है वास्तु शास्त्र, अपने पहले और सेकेंड ईयर का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है बीटेक वाला, वास्तु शास्त्र को भी इंट्रोड्यूस किया है आईआईटी खड़गपुर ने। फिर ये सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज जीती है किसने, बी साई प्रणीत ने, हेड बैडमिंटन के प्लेयर है। फिर ये अभी देखिए विस्टा डोम जो स्टार्ट हुई है कोचेज, वो इंडियन रेलवे में, वो कहाँ से कहाँ तक हुई है, विशाखापट्टनम से लेके अराकू तक हुई है। फिर नेक्स्ट है इसमें जो इटालियन इटली की है, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन एमा मोरिनो की डेथ हो गई थी, तो इटली की ये आ सकता है, आपसे पूछा सकता है। फिर इंडियन जो THO-W-DHAU करके एक सेलिंग विजल है, इसको सोमाली पायरेट्स ने अभी कैप्चर कर हाईजैक कर लिया था और फिर रिलीज कर दिया, उसका नाम है अल कौसर। ऑपरेशन दुर्गा ये स्टार्ट हुआ है सेफ्टी ऑफ वुमेन के लिए, जैसे ये एंटी रोमियो जो स्टार्ट हुआ था यूपी में। अफ्रीकन नेशन जिसने 3 मंथ की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी जब उनके चर्च में अटैक हुए थे इजिप्ट। फिर ये है कि अभी देखिए जैसे शराबबंदी वाली जो बात चल रही है, अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी करेंगे फेज वाइज में, धीरे धीरे करेंगे। पहला माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल जो कि न्यू दिल्ली में मनाया गया था, ये थिएटर ग्रुप वृक्ष के द्वारा, इसका इसका थीम था थेस्पिस, सॉरी इसका नाम था थेस्पिस, माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल है ये थेस्पिस। फिर ये है कि अमेरिकन नॉवलिस्ट जिनको कि पुलिटजर प्राइज मिला 2017 का फिक्शन कैटेगरी में, अंडरग्राउंड रेल रोड कोल्सन व्हाइटहेड को मिला है, ठीक है, अंडरग्राउंड रोड रेल रोड के लिए कोल्सन व्हाइटहेड को। फिर वेब पोर्टल जो सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कि आप मैप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, स्केल होगा 1:5, 50,000, उसका नाम है नक्शे। फिर ये भारत के वीर एक पोर्टल लॉन्च किया था सीआरपीएफ के जो ये फाउंडेशन डे पे, ये यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने और अक्षय कुमार भी प्रेजेंट थे, उसका नाम था भारत के वीर, आप लोग इसमें डोनेट कर सकते हैं कोई भी। फिर ये देखिए चंपारण के 100 साल पूरे हो गए, तो एक एग्जीबिशन ये स्टार्ट किया गया था स्वच्छ स्वच्छग्रह बापू को कार्यांजलि, एक अभियान एक प्रदर्शन। फिर ये नोबेल पीस प्राइज जो विनर है, जो यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर है पाकिस्तान की मलाला यूसुफ जई, ये यंगेस्ट यूएन मैसेंजर ऑफ पीस भी बन चुकी है, ये आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है 3 दिन का नेशनल चिल्ड्रेन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे स्टार्ट किया गया, विशाखापट्टनम में। नोमैडिक एलिफेंट ये जो एक्सरसाइज होती है इंडो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट है इसमें कि महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा जो योजना थी, अब इसको ये क्लोज कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना को बंद कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है इसमें ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जिनको भी विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर का अवार्ड मिला था, इलिसी पेरी करके नाम था इनका। फिर विजडन लीडिंग क्रिकेटर जो 2016 के थे, थर्ड इंडियन बन गए हैं विराट कोहली, ठीक है, तो विजडन के लीडिंग वुमेन क्रिकेटर कौन है इस बार 2016 की, इलिसी पेरी ऑस्ट्रेलिया की, और इस बार के जो मेन क्रिकेटर है वो है विराट कोहली, और अभी तक ये सिर्फ 2 लोग बने हैं विजडन के लीडिंग क्रिकेटर, 3 लोग हो गए हैं, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और फिर अब तीसरे बनते हैं विराट कोहली, ये याद रखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजडन के लीडिंग क्रिकेटर इस बार बने हैं विराट कोहली और अभी तक 3 इंडियन बन चुके हैं, सहवाग, सचिन और कोहली, तीसरे बने कोहली। ऑस्ट्रेलिया की इस बार की वुमेन क्रिकेटर थी एलिसी पेरी जो कि विजडन की लीडिंग वुमेन क्रिकेटर बनी,
मिसबाहुल अग ने, अब ये रिटायर हो गए हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, ये सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया में अटैक हुआ था टेररिस्ट। फिर ये किशोरी अमोनकर जिनकी डेथ हो गई, ये हिंदुस्तानी वोकलिस्ट थे जयपुर घराना के। फिर ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2017 का मिला है दाविद इसाक को, जो कि स्वीडिश इरिट्रियन जर्नलिस्ट है। उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी ये आप बताइए। इस बार इंडिया की वैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग थी 136, पिछली बार से 3 गिर गई। फिर देखिए एक नया मेंबर आ गया है सासेक में, यानी कि साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, और अब इसके मेंबर हो गए हैं 7। और उसको याद करने की ट्रिक है BBINMMS, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल और म्यांमार, और ये आपका हो गया मालदीव और श्रीलंका, पाकिस्तान नहीं है सासेक। नेक्स्ट है इसमें कि कौन ऐसे बैडमिंटन के प्लेयर हैं डेनमार्क के जिन्होंने ये सुपर सीरीज इंडिया ओपन सुपर सीरीज जीती थी लेंस सिंगल की, ये विक्टर एलेक्सन। फिर इंडियन इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन की वुमेन सिंगल किसने जीता था, पीवी सिंधु ने, दोनों का नाम याद रखिएगा। फिर देखिए ऐसा पहला देश बन गया जापान जिसने की क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को अपना लीगल पेमेंट मेथड मान लिया है 1 अप्रैल 2017 से, वह है जापान। नेक्स्ट है इसमें देवधर ट्रॉफी के विनर 2016-17 के थे तमिलनाडु। फिर ये रीगल सिनेमा जो कि दिल्ली में थी उसको बंद कर दिया गया है, 85 साल पुरानी है ये। नेक्स्ट है इसमें तनुश्री पाठक ऐसी पहली महिला बन गई जिनको कॉम्बैट ऑफिसर बनाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, तो BSF की पहली कॉम्बैट ऑफिसर, पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर का नाम है तनुश्री पाठक, इसलिए नाम याद रखिएगा, पहली बार हुआ है ये 51 साल के इतिहास में। संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से रिलेटेड है, इसमें वेस्ट बंगाल ने जीता था 77वां एडिशन जो लेटेस्ट वाला है गोवा को हरा के। लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया उसका नाम है TU-142M। फिर ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट 2017 वाला NGT ने जो ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में हुआ था ये, ठीक है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट। इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या थी, 87, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे था। मेरा आई मोबाइल ये लॉन्च किया है किसने, मोबाइल ऐप, ICICI बैंक ने। फिर एबेल पुरस्कार जो मैथ से रिलेटेड है फ्रेंच के मैथमेटिशियन लुइस मेयर को मिला है। फिर वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट हाइपरसोनिक विंड टनल इसरो ने ये जो कमीशन की है ये कहाँ पे की गई है, ये की गई तिरुवनंतपुरम में। इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2017 में थी 122, ठीक है, नॉर्वे इसमें टॉप पे था ये आप याद रखिएगा। और ये रैंकिंग को पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। 2016-17 की विजय हजारे ट्रॉफी जीती तमिलनाडु ने, और ये पहली टीम बन गया जो कि ये केवल ऐसी टीम है जो 5 बार जीती है विजय हजारे ट्रॉफी। फिर ये आर्मी इंडिया की और प्लस ओमान की आर्मी ने एक्सरसाइज की थी अल लगा, तो अल लगा किसके किसके बीच में हुई, इंडिया और ओमान के बीच में। कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने नया इंडियन रिकॉर्ड बनाया लॉन्गेस्ट इनिंग का, मतलब अभी तक जैसे बॉल बोलते थे राहुल द्रविड़ को, उन्होंने कि बोलते थे कि काफी सारी वो बॉल जैसे ये कर सकते हैं, ये प्ले कर सकते हैं, उसमें 495 बॉल तक खेली थी राहुल द्रविड़ 2004 में, अब उनसे भी बड़े आ गए हैं चेतेश्वर पुजारा, 525 बॉल इन्होंने जीती ये चेतेश्वर पुजारा ने, और ये रिकॉर्ड बना लिया। फिर ये जो देवराज सिक्का है ये इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी, और इनकी डेथ हो गई थी। फिर ये है कि 3 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिज्म ये 21वां सेंचुरी वाला कहाँ पे हुआ, ये राजगीर बिहार में हुआ। इंडिया का पहला प्रिस्टीन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम ये कहाँ पे किया गया स्टार्ट, पालमपुर। फिर ये देखिए ये जरूर याद रखिएगा ICC का जो वुमेन का वर्ल्ड कप हुआ था 2017 था उसके शक्ति शक्ति सप्ताह ये स्टार्ट किया गया था गुरुग्राम में, ठीक है। उसके बाद तारक मेहता का ये जिन्होंने कॉलम लिखा था दुनिया का ऊंधा चश्मा गुजराती में, उनकी डेथ हो गई थी अभी। फिर नेशनल साइंस डे जो मनाया जाता है 28 फरवरी को, उसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन। फिर इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड हेलीपोर्ट ये कहाँ पे बनाया गया है, रोहिणी में दिल्ली में। इंडिया की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस हावड़ा और अर्नाकुलम के बीच में स्टार्ट हुई है। उसके बाद फिर ये राजस्थान ऐसा दूसरा स्टेट बन गया है जो कि अब अपने किसी भी ये जैसे रेस्टोरेंट में, ये एयरपोर्ट में और ये स्टेडियम में MRP से ज्यादा चार्ज नहीं करेगा, महाराष्ट्र ऐसा पहला था। उसके बाद 112 फुट की जो स्टैचू है आदियोगी लॉर्ड शिवा का वो
पीएम मोदी ने कोयम्बटूर में अनवील किया था। उसके बाद देखिए भारत बोध, एक द आइडिया ऑफ भारत, ये 3 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, भारतीय शिक्षण मंडल ने स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइज किया था इसको, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ मिलके। उसके बाद देखिए ट्रैपिस्ट करके वन है, ट्रैपिस्ट वन है ये, नासा ने डिस्कवर किया है ये कि एक ऐसा स्टार है जहां पे 7 प्लैनेट जैसे सन के अराउंड घूमते हैं, 8 वैसे ही इसके अराउंड भी 7 प्लैनेट घूमते हैं। फिर उसके बाद शहीद अफरीदी ने रिटायरमेंट ले लिया। तीसरा नेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस रुड़की में ऑर्गेनाइज किया गया, अल्तमस कबीर की डेथ होगी जो कि पहले ये मतलब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पहले। फिर उसके बाद बांग्लादेशी पेंटर, इनका नाम था शहाबुद्दीन अहमद, ये ऐसे पहले फॉरेन आर्टिस्ट बन गए हैं जो कि राष्ट्रपति भवन में ये रहे थे, ये आप याद रख सकते हैं। पहला इंडियन ऑल वुमेन ग्लोबल सरकम नेविगेशन, ये है INSV तारिणी। फिर देखिए सुरिंदर वर्मा को मिला है 2016 का व्यास सम्मान, उनकी जो ये रचना है नॉवेल है काटना श्यामी का वृक्ष पद्मा पनखुड़ी की धार से। फिर उसके बाद इंडिया का वेस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर फेयर 2017 वाला कहाँ पे हुआ, ये बीकानेर में। फिर ये मल्टीलेटरल ये एक्सरसाइज थाईलैंड में हुई थी, कोबरा गोल्ड, तो थाईलैंड और इंडिया का पार्टिसिपेशन था इसमें कोबरा गोल्ड में। जिहान दारू वाला ये इंडिया, ये पहले इंडियन है जिन्होंने ग्रांड प्रिक्स जीती है। देखिए इसके पहले ये जरा थोड़ा स्कीम का देख लेते हैं। देखिए सागरमाला प्रोजेक्ट प्रोडक्ट ये पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, भारतमाला है अम्ब्रेला रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है ये दोनों आप याद रखिएगा। सागरमाला मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में और भारतमाला है मिनिस्ट्री ऑफ रोड के अंडर में। फिर ये वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना स्टार्ट की गई थी, ये इंप्लीमेंट करेगा कौन, LIC करेगा, यहाँ पे नाबार्ड नहीं है, ये मेरी क्विज का है मैं बता दे रहा हूँ गवर्नमेंट स्कीम, क्योंकि इसमें मैंने पूरी कवर की थी। इसलिए इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम हुई थी स्टार्ट कहाँ पे, मिजोरम में ही। और MCIPS स्कीम जो है नेट जीरो इम्पोर्ट करने के लिए 2020 तक की, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये। देखिए डिजिटल डाकिया स्कीम ये MP में की गई, ठीक है, और इसमें जो आनंदम स्कीम है ये भी MP में की गई थी, और आरोग्य रक्षा स्कीम ये आंध्र प्रदेश में की गई थी, आप याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर ने अभी महाराष्ट्र का गोंजा विलेज अडॉप्ट किया है एज दूसरा मतलब अडॉप्ट किया संसद आदर्श ग्राम योजना के अंडर में। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का अर्बन कंपोनेंट है ये LIG MIG और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तीनों के लिए हो गया है, पहले LIG और EWS के लिए था, अब MIG के लिए हो गया है। अपनी गड्डी अपना रोजगार योजना ये पंजाब की है, शाला सिद्धि प्रोत्साहन योजना ये है MP की, यहाँ पे जो लिखा है वो मत देखिए MP की है ये। फ्री सर्जरी स्कीम दिल्ली की है और फ्री पावर कनेक्शन स्कीम है UP की, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनिए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो थी उसको अब इसमें आधा किलो से बढ़ा के 4 किलो तक लिमिट कर दी गई, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। अभी सिंगल वुमेन पेंशन स्कीम तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने की, 1000 रुपए देंगे सिंगल वुमेन को ये। फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वज्रा स्कीम है ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए। केरल ऐसा पहला स्टेट ये बना था जिसने ट्रांसजेंडर पॉलिसी बनाई थी, और उड़ीसा ऐसा पहला स्टेट बना था जो कि पेंशन और फूड बेनिफिट देगा ट्रांसजेंडर को। समाधान जो था अभी एक ये किसके लिए था, ये जो लेफ्ट विंग टेररिज्म की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अभी ये चर्चा में था। संपदा स्कीम किसके लिए की गई है, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के लिए। फिर ये दीनदयाल रसोई योजना किसकी स्कीम है, मध्य प्रदेश की है, 5 रुपए पर प्लेट में, ऐसे ही एक अन्नपूर्णा कैंटीन है वो उत्तर प्रदेश की है। उड़ान स्कीम शिमला एयरपोर्ट से स्टार्ट हुई 27 अप्रैल को। पावर टेक्स इंडिया ये भिवंडी महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई, और राष्ट्रपति वयोश्री योजना ये नेल्लूर आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2017 को। मिशन फिंगरलिंग अभी अब मैंने बताया फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फिर उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर समग्र ग्रामीण उन्नयन योजना ये किसने स्टार्ट की, असम में। फिर ये यहाँ तक बीच में दिखानी थी आपको, स्कीम वाला पार्ट था इसमें वो कवर कर लिया। फिर देखिए यहाँ तक हम लोग आ गए थे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2017 का किसको मिला है, साइमन बोल्स को, पेल्स को US के हैं, और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मिला है जमैका के उसैन बोल्ट को। फिर ये फूड लेग्यूम्स रिसर्च प्लेटफॉर्म ये किया है ICARDA ने अमलाहा ये शहरों में सीहोर में मध्य प्रदेश में। फिर देखिए कालिमपोंग ये वेस्ट बंगाल का 21वां डिस्ट्रिक्ट बन गया है। 11वां जो ये एयरो इंडिया शो था ये बेंगलुरु में हुआ, ठीक है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है।
पहला इंडिया का वॉरशिप जो ग्रीन हो गया है पूरा, वो है आईएनएस सर्वेक्षक। सोलर पावर सिस्टम लगा दिया गया यहाँ पे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है अब ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट सैंड कैस्टल बनाई थी किसने? सुदर्शन पटनायक के, जो कि उड़ीसा के हैं। इंडियन सीट कांग्रेस 2017 कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। उसकी थीम थी सीट फॉर जॉय। विराट कोहली ऐसे पहले बैट्समैन बन गए जिन्होंने चार लगातार सीरीज में चार डबल सेंचुरी मारी, और इन्होंने सर ब्रॉन ब्रेडमैन के और राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड को मारी थी। फिर उसके बाद ये पृथ्वी डिफेंस ये व्हीकल है, ये किस लिए ये किया गया है, टेस्ट फायर किया गया है एक्सो एटमोसफेयर में जो टारगेट्स होते हैं उनके लिए। T20 ब्लाइंड कप, ब्लाइंड वर्ल्ड कप इंडिया दो बार जीती, दो बार हुआ है अभी तक, बेंगलुरु में पाकिस्तान को हरा के, इस बार जीती है बेंगलुरु में पाकिस्तान को हरा के। आर अश्विन ये 250 विकेट लेने वाले बहुत सबसे पहले मतलब सबसे तेज बन गए हैं ये बॉलर, 45 मैचों में इन्होंने ले लिए 250 विकेट, ये देख सकते हैं आप इसमें पिक। फिर ये हिंदुस्तान मोटर्स की जो एम्बेसडर ब्रांड है ये अभी बेच दिया गया है फ्रांस की प्यूगेट एसए को। फिर ये चेयरमैन ऑफ सेबी बन गए अजय त्यागी। नेशनल वुमेन पार्लियामेंट हुई थी कहाँ पे? अमरावती आंध्र प्रदेश में, और इसकी थीम थी एम्पावरिंग वुमेन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। फिर ये अमन 17 एक पाकिस्तान में ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी, पाकिस्तान की नेवी ने कंडक्ट कराई थी कराची में। नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक मनाया गया 12 से 18 फरवरी 2017 तक, और इसकी थीम थी फ्रॉम वेस्ट टू प्रॉफिट थ्रू रिड्यूस रिसाइकिल एंड रीयूज। फिर 2003 का जो नोबेल प्राइज जीता था पीटर मैंसफील्ड ने, इनकी डेथ हो गई अभी। फिर उसके बाद ये देखिए मिशन 11 मिलियन स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये बिगेस्ट स्कूल स्पोर्ट्स आउटरीच प्रोग्राम है ताकि बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए प्रमोट किया जा सके। देखिए ये जो ये ऑफिशियल मैस्कॉट है ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल का, उसका नाम है ये खेलियो, और ये एक लेपर्ड है। फिर ये हम देख चुके हैं कि ये जो 11वां इंटरनेशनल ये एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन एरो इंडिया ये बेंगलुरु में किया गया। इंडिया का कौन सा ऐसा राज्य जिसने पीडीएस को कम्प्लीटली कैशलेस बना दिया? वो है गुजरात। 17वां इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म ये सेमिनार कहाँ पे आयोजित किया गया? मानेसर में। फिर ये एनुअल मैरीटाइम पावर कॉन्फ्रेंस 2017 वाला ये कहाँ पे किया गया? दिल्ली में किया गया, और इसका जो थीम था वो क्या था? द ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड डेवलपमेंट। फिर ये विनर है मेन और वुमेन सिंगल टाइटल के 81st जो सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, सौरभ वर्मा और ऋतुपर्णा दास। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट शेड्यूल्ड कॉमर्शियल सर्विस एयरलाइंस वाली जो है ये कहाँ पे स्टार्ट की गई? किस एयरलाइन ने की है? कतर एयरवेज ने की है, दोहा से लेकर ऑकलैंड तक। फिर ये पूरी दुनिया का ये देखिए पहला एवर ट्रेनिंग सेंटर ये पैरा एथलीट्स के लिए इंडिया का कहाँ पे, सॉरी इंडिया का है ये कहाँ पे खोला गया है? गांधीनगर गुजरात में। 31वां सूरज कुंड जो ये मेला होता है हरियाणा में, उसका पार्टनर नेशन था इजिप्ट और थीम स्टेट था झारखंड। फिर ये जिनको अभी ये ई अहमद ये फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल पर्सन की डेथ हो गई। गति से प्रगति यानी कि प्रोग्रेस विद स्पीड ये क्या थी? टैगलाइन थी एनसीआर जो टीसी ने अभी ये याद रख सकते हैं, ये अब एनसीआर टीसी की ये टैगलाइन है गति से प्रगति। फिर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी एक ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था कि 9 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जो भी पैसे डिपॉजिट किए गए, क्योंकि 8 नवंबर को हुआ था डीमोनेटाइजेशन, वो इंडिया के इतिहास में तीसरा था। ऑपरेशन क्लीन मनी नाम का एक ई प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। दुनिया की पहली ऐसी कंट्री हो गई जो कि अब बोल दिया है कि फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आयरलैंड है ये। विनोद राय को बना दिया गया है बीसीसीआई का एडमिनिस्टर कमेटी का बना दिया गया इनको, ताकि ये बीसीसीआई के अफेयर्स को मैनेज कर सके। फिर उसके बाद ये जो 79 टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप जीती वेस्ले सो ने जीती, यूएस के हैं ये। फिर देखिये मिस यूनिवर्स 2016 बनी थी फ्रांस की आयरिस मिटेनेरे, ठीक है। पीवी संधु ने जीता था सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टूर्नामेंट, और सैयद मोदी ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टूर्नामेंट मेन सिंगल में जीता था समीर वर्मा ने, समीर वर्मा और पीवी सिंधु ने जीता था सैयद मोदी का ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टूर्नामेंट बैडमिंटन वाला। अशोक अमृत राज को बनाया गया गुडविल एम्बेसडर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो इन्होंने स्टार्ट किया था डॉक्टर विजय भटकर, उनको बना दिया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी का नया चांसलर।
13 साल बाद ये बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिर से ऑपरेशन चालू हो गया, भुवनेश्वर एयरपोर्ट में, भुवनेश्वर में है ये। फिर देखिए पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट जापान ने जो लॉन्च किया है, किरा मेकी टू है ये। फिर ये जमैका के एथलीट है जिनको कि डोपिंग का दोषी पाया गया, नेस्टा कार्टर, और इनका गोल्ड मेडल छीन लिया गया। फिर ये HDFC बैंक ने बोला है कि 2 साल के अंदर ये इंटेलिजेंट रोबोटिक असिस्टेंट बनाएंगे ताकि इनके जो ब्रांच वाले स्टाफ है उनको असिस्ट कर सके ये। 7वां नेशनल वोटर डे मनाया गया था 25 जनवरी 2017 को, थीम थी इम्पावरिंग यंग एंड फ्यूचर इवेंट्स। फिर देखिए इंडिया ने एक डील की है कि मैंगलोर ये स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है, UAE के साथ वो फिल करेगी इसको, UAE फिल करेगी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया, कामुती रामानाथापुरम में। सोलर में आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे हो गया है। नए प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस के प्रवीण कुमार जगन्नाथ। देखिए गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है 24 जनवरी को, इसकी थीम इस बार थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर ये नक्श लैलापुरी लैलपुरी करके ये उर्दू पोइट थे जिनकी डेथ हो गई। 2017 का मलेशिया मास्टर ग्रांड प्रिक्स गोल्ड जीता साइना नेहवाल ने। देखिए पहली ये यूरोपियन कंट्री जिसने लीगलाइज कर दिया मैरिजुआना को मेडिकल पर्पस के लिए। मैरिजुआना मतलब जो है नॉर्मल भाषा में बीड या बोलते हैं, या फिर जो जैसे देसी भाषा में गांजा अंजा कुछ टाइप का बोलते हैं, जर्मनी ने कर दिया इसको। फिर ये पब्लिक सेक्टर बैंक जिसने अभी इंस्टॉल किया इंडिया के लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर में अपना ATM, वो है SBI। हांगकांग ने अब ये इंडियंस को एक फैसिलिटी मिली थी वो अबॉलिश कर दी है, वीजा ऑन अराइवल वाली। देखिए इंडिया अब ये इंडिया में 3 स्टेट ऐसे हो गए जिनकी तीन दो दो कैपिटल है, सॉरी हिमाचल प्रदेश की अब हो गई, शिमला के अलावा धर्मशाला और जम्मू कश्मीर की भी दो है और महाराष्ट्र की भी दो है, वो मैं बता चुका हूँ। प्रो रेसलिंग लीग सीजन 2 के चैंपियन थे पंजाब रॉयल्स, ठीक है रेसलिंग के रॉयल्स। पीपल चॉइस अवार्ड मिला था ये फेवरेट ड्रामेटिक टीवी एक्ट्रेस का अवार्ड प्रियंका चोपड़ा को। फिर लोकटक लेक में एक आइलैंड है मणिपुर में है ये कैरांग आइलैंड, जिसको कि इंडिया का पहला कैशलेस आइलैंड घोषित किया गया। फिर ये जो कपिल देव है इनको ये कर लिया गया इंडक्ट ये लीजेंड क्लब हॉल ऑफ फेम में। फिर सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल बनाया गया है, उसका नाम है शगुन। तो शगुन सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इसमें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अभी कहाँ पे खोला गया है, झारखंड में देखिए आ जाएगा ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर ये ब्लैक होल मैन जो बोला जाता था, ये ब्लैक होल मैन ऑफ इंडिया जिनकी डेथ होगी CV विश्वेश्वरैया। यूजीन सरना ने ये लास्ट मैन थे जिन्होंने मून पे मतलब चंद्रमा पे गए थे, ये अभी तक के ये मतलब इस टाइम लेटेस्ट टाइम तक के। फिर उसके बाद है 2017 का प्रीमियर बैडमिंटन लीग किसने जीता, चेन्नई स्मैशर्स ने मुंबई रॉकेट्स को हरा के। रणजी ट्रॉफी 2016-17 में गुजरात ने जीती थी मुंबई को हरा के। सुरजीत सिंह बरनाला इनकी डेथ हो गई, वो CM थे पंजाब के। साक्षम 2017 इसका मतलब है संरक्षण क्षमता महोत्सव, के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की प्रोग्राम था ये, अवेयरनेस प्रोग्राम था ताकि लोग जुडिशियली यूज कर सके पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। आखिरी आयुति ये एक स्कीम है इंडिगो की, ये मतलब एक सोशल सर्विस स्कीम है कि नॉर्थ ईस्ट के जो रेसिडेंट है जो दिल्ली में इंटरव्यू होते जाती है उनको घर तक ले जाएंगे, फेरी है ये सर्विस। उसके बाद एन चंद्रशेखर अब टाटा सन्स के नए चेयरमैन बन गए हैं। और इसके बाद ये जो स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है, सबसे पहली थी इंडिया की ये कलवारी और दूसरी हो गई खंडेरी। उसके बाद देखिए रामायण दर्शनम एग्जीबिशन ये कहाँ से स्टार्ट किया गया, कन्याकुमारी से, स्वामी विवेकानंद की बर्थ नर्सरी के। तो देखिए यूथ फेस्टिवल हुआ था रोहतक में हुआ था, और उसकी थीम थी यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। फिर कौन सी ऐसी कंट्री जिसने कम्प्लीटली FM रेडियो को खत्म कर दिया है, मतलब रिप्लेस कर देगा ये डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग से, वो नॉर्वे। कौन सी ऐसी यूरोपियन कंट्री है जो अब अपने ट्रेनों को 100% विंड पावर पे चलाएगा, नीदरलैंड है। वर्ल्ड का पहला जेंडर फेस्टिवल लिटरेचर फेस्टिवल ये कहाँ पे किया गया, पटना में। फिर देखिए ये पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट कर ली बाबर 3 को लॉन्च करके, न्यूक्लियर कैपेबल है ये, मिसाइल टेस्ट फायर करी थी ये। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होगा कि ये न्यूक्लियर वेपन अब लैंड एयर और सी तीनों जगह से कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। फिर
इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कहाँ पे खोला गया? गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर में। ये 4 दिन का नोबेल प्राइज एग्जीबिशन था, ये नोबेल प्राइज आइडियाज चेंजिंग द वर्ल्ड, ये कहाँ पे किया गया? अहमदाबाद में। 20वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ये विशाखापत्तनम में किया गया। उसके बाद ये नई दिल्ली का वर्ल्ड बुक जो फेयर था उसकी थीम थी मानुषी, ये यहाँ पे 15वां नहीं 14वां है, सॉरी 14वां प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया गया बेंगलुरु में, और इसकी थीम थी रीडिफाइंड इंगेजमेंट विद इंडियन डायस्पोरा। फिर गुरु गोविंद सिंह की 350वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी। फिर ये उस अब्दुल हमील हलीम जफर खान ये सितार प्लेयर थे बीकानेर घराना की, इनकी डेथ हो गई। 2016 का साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ वुमेन चैंपियनशिप किसने जीता था? इंडिया ने जीता था बांग्लादेश को हरा के कंचनजंगा स्टेडियम में सिलीगुड़ी में। दीपक मिश्रा ये नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 45th ये बता चुके हैं। बनकर मित्र हेल्पलाइन स्टार्ट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसका ये है हैंडलूम वीवर्स के लिए। ये ऑर्थर मोरिस को भी अब आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में कर लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। नए हिंदी राइटर दो हैं, इनको भारतीय जनपीठ नवलेखन अवार्ड मिला है, ये इनका नाम है श्रद्धा और घनश्याम कुमार देवांश। देखो 104वीं इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुई थी? तिरुपति में। देखो 104वीं हुई थी तिरुपति में, उसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, और अगली वाली होगी हैदराबाद में, उसकी थीम होगी रीचिंग द अनरीच थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर ये यूएन सेक्रेटरी जनरल बन गए, सॉरी यूएन सेक्रेटरी 9th यूएन सेक्रेटरी जनरल बन गए एंटोनियो गुटरेस, के पहले ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर थे। इस समय इंडिया के जो ये नेवी के चीफ हैं ये हैं एडमिरल सुनील लांबा, और आर्मी के इस समय कौन है? आर्मी के हैं जनरल बिपिन रावत, और इस समय एयरफोर्स के हैं बीएस धनोआ। तीनों का नाम याद रखिएगा। 2017 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट बनाया गया। देखिए 2016 को बनाया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, और 17 को बनाया गया ये टूरिज्म से रिलेटेड सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, और 19 को बनाया जाएगा इंडिजिनस लैंग्वेजेस वाला। मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए, ताकि कॉमन रहे सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाम था इसका भारत इंटरफेस फॉर मनी। 21वें लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे ये, मतलब बनाए गए अनिल बैजल। फिर देखिए नेशनल गेम्स 35वां हुआ था केरल में, 36वां होगा गोवा में, 37वां होगा 2019 में छत्तीसगढ़ में, और 38वां होगा 2018 में उत्तराखंड में। ये न्यूज में ऐसा ही दिया हुआ है वही मैंने यहाँ पे कर लिया है। और 2018 में जो 38वां उत्तराखंड में गेम होगा उसके लिए मोनल बर्ड मैस्कॉट भी बन गया है। देखिए क्रिकेटर रहे गुजरात के, इन्होंने 117 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, 359 रन नॉट आउट बना दिया समीर गोयल ने। फिर ये इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली को चुना गया था कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओडीआई टीम ऑफ द ईयर। अब यहाँ से जो ये न्यूज है ये पूरी दिसंबर से लेके सितंबर तक की, तो ये थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंट है। अभी तक की जो न्यूज हम देख रहे थे वो पूरी थी अगस्त 2017 से पीछे जाके जनवरी 2017 तक, तो यहाँ पे आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। दीनानाथ भार्गव ये नेशनल एम्बलम में काफी अच्छा रोल प्ले किया था इन्होंने, इनकी डेथ हो गई। मलेरिया इलिमिनेशन स्कीम चलाई थी दमन उड़ीसा गवर्नमेंट ने 7 डिस्ट्रिक्ट में। फिर एक आईवीआरएस नंबर स्टार्ट किया था मुंबई दिल्ली पंजाब और महाराष्ट्र उत्तराखंड गोवा ने कॉल ड्रॉप्स की प्रॉब्लम के लिए 1955 नाम था, ये डीओटी ने स्टार्ट किया था इन शहरों में 1955 नंबर था। नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को, और इसकी थीम थी अल्टरनेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स स्पेशल। डेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2016 का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है सनी लियोन को। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें जो ये 100 करके स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन था ये स्टार्ट किया है किसने, ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है, और ये कैपेबल है साउथ ग्राउंड टारगेट मतलब 100 किलोमीटर तक लॉन्च करने में टेस्ट फायर करने किया इसको। मिनी सैटेलाइट का ये चाइना का है, कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन के लिए इसका नाम है टैनसेट। टैनसेट क्या क्या मॉनिटर करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। शस्त्र रामानुजम अवार्ड 2016 मिला है कैसा मतो माकी को और मैकिनसिम रडी जीवी को। फिर देखिए इंडिया का पहला सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बायो रिफाइनरी कहाँ पे किया गया है? विलेज तरखान वाला बठिंडा में। फिर है इसमें आपका
नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये कहाँ पे खोला जाएगा? शिलोंग में। फिर ये देखिए, मेरियम वेबस्टर बर्ड ऑफ द ईयर 2016 कौन सा था? सर्वियल। रैंक जो इंडिया की ग्लोबल विंड पावर कैपेसिटी में थी, फोर्थ हो गई है, चाइना नंबर वन पे है ये विंड पावर की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी का टोटल। और स्टेट वाइज इंडिया में तमिलनाडु नंबर वन पे है। तमिलनाडु में ये इलीगल शरिया कोड को बैन कर दिया गया था, गर्व एक ऐप लॉन्च किया था कि ताकि इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रही है उसको ट्रैक किया जा सके, ठीक है। उसके बाद ये तमिल पोएट थे ये तिरुवल्लूर, इनका स्टैचू ये बनाया गया है हरिद्वार में। फिर ये एक ये आज भी खड़े हैं तालाब करके थे, ये एक ऑथर मतलब इस बुक के ऑथर थे अनुपम मिश्रा, इनकी डेथ हो गई। फिर ये देखिए, विजेंद्र सिंह जो इंडियन बॉक्सर है, इन्होंने तंजानिया के प्रोफेशनल बॉक्सर को हराया था, उनका नाम था फ्रांसिस चेका। सांझी सांझ करके एक ये हरि हरिकृत पब्लिशर्स ने किया है, ये पहला इशू है, ये एक्चुअली ये नेशनल न्यूज़पेपर है, ये सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। सांझी सांझ नेशनल न्यूज़पेपर है, ये सीनियर सिटीजन के लिए। मिस वर्ल्ड बनी है 2016 की स्टेफिन स्टेफनी डेल वेले, और ये प्यूर्टो रिको के लिए। फिर 2016 का इंडियन सुपर लीग फुटबॉल किसने जीता था? एटलेटिको डी कोलकाता ने। इंडिया का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल कहाँ पे खोला जाएगा? कानपुर में। हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2016 का लखनऊ में आयोजन किया था, और इंडिया ने हराया था इसमें फाइनल में बेल्जियम को। ग्लोबल थिंकर 2016 के डिसीजन मेकर में ये सुषमा स्वराज को इंडक्ट किया गया है। पहली हमसफर ट्रेन जो इंडिया की है वो गोरखपुर से लेके आनंद विहार तक चली। वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल लिस्ट में नंबर वन पे, तो फोर्थ पे व्लादिमीर पुतिन है, मोदी जी नंबर नाइन पे थे। बैलून डी अवार्ड मिला था, पुर्तगीज फुटबॉलर है ये, चौथी बार मिला क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, एक्वेरियन एक एक्सरसाइज होती है इंडियन और इंडिया और मालदीव के बीच में। अभी देखिए, वेनेजुएला ने भी डिमोनेटाइज कर दी थी अपने हाईएस्ट डिनोमिनेशन की, ये ब्लैक मनी को रोकने की, एक्सरसाइज होती है इंडिया रशिया के बीच में। फिर ये विल इंग्लिश बन गए नए पीएम न्यूजीलैंड के, एक माइटी करके ये है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने टीवी चैनल स्टार्ट किया डिजिटाला, डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए। इंग्लिश को इंग्लिश बन गई मोस्ट पावरफुल पावर लैंग्वेज इंडेक्स में, इंग्लिश इंग्लिश नंबर वन पे आ गई है, और ये हिंदी इसमें नंबर 10 पे थी। मल्टी डिसिप्लिनरी सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल कहाँ पे किया गया? गोवा में। फिर देखिए, ये जॉन ग्लेन थे, इनकी डेथ हो गई, पहले थे अमेरिका के जिन्होंने पूरे अर्थ को ऑर्बिट किया था 1962 में। फ्रांस के समय प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, और प्राइम मिनिस्टर है ये हम देख चुके हैं वैसे, एडवर्ड फिलिप। चो रामास्वामी, इनकी डेथ हो गई, ये तमिल एक्टर थे, तुगलक मैगजीन के ये एडिटर थे। देखिए, ये कौन सा स्टेट है जिसने शादियों में आर्म्स ले जाने को बैन कर दिया है? वो है हरियाणा, ठीक है। उसके बाद टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2016 डोनाल्ड ट्रंप को मिला था, ऑनलाइन वाले में मोदी जी जीते थे। तमिलनाडु के सीएम इस समय पलानी स्वामी। 2016 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल वाला अवार्ड मिला था अलमाज अयाना को, और मेल वाला जिसको मिला था उसैन बोल्ट को जमैका के। फिर इंडिया ने वुमेन एशिया T20 वर्ल्ड कप में, सॉरी वुमेन एशिया कप में T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को हराया थाईलैंड में जो हुई। देखिए, वुमेन एशिया कप अभी 6 बार हुआ है, 6 बार इंडिया ने जीता है, ठीक है। फिर ये कैकसन बसु करके एक टीनेज गर्ल है यूएई की, जिसको इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज मिला 2016 का। योगा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड कर दिया गया है। फिर देखिए, यूएसए ये हॉविट्जर जो मैन्युफैक्चर होती है यूएसए बनाता है, इंडिया ने डील की है 700 मिलियन डॉलर की। मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के चेस प्लेयर है, उन्होंने जीती है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। फिर उसके बाद 13 मेंबर की जो कमिटी है चीफ मिनिस्टर की डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, उसके हेड थे चंद्रबाबू नायडू। आप देखिए, भारतीय महिला बैंक SBI में मर्ज हो गई है, ठीक है। उसके बाद एशिया का पहला और लॉन्गेस्ट हाईवे बनाया गया कहाँ पे? इटावा और आगरा के बीच में। कोंकण एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूके की नेवी के बीच में। फिर ये पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के ये है, इनको मिला है सेकेंड ICCR डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड, इनका नाम है प्रोफेसर यू लॉन्ग यू। 2016 का डेविस कप टूर्नामेंट किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। फिर आप देखें इसमें, तो ये आपका ये इस समय जो नई आर्मी मतलब पाकिस्तान आर्मी के जनरल है, ये आर्मी स्टाफ आर्मी के हेड है कमर जावेद बजवा,
फिर अमिताभ अमिताभ कांत की एक कमेटी थी जिसने की स्ट्रेटेजी, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसका हेड बनाया गया अमिताभ कांत को, कि इंडिया को कैसे कैशलेस इकोनॉमी बनाया जाए। मैरी कॉम को चूज किया गया है लेजेंड अवार्ड इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के लिए। ये फिडेल कास्ट्रो की डेथ हो गई थी, क्यूबा के थे रिवोल्यूशनरी लीडर। फिर ये जो एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2016 में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला मनोज वाजपेयी को। देखिए एयरटेल ने इंडिया में पहली, इंडिया की पहली पेमेंट बैंक की स्टार्ट की थी राजस्थान में, एयरटेल ने की है, याद रखिएगा। मालिनी सुब्रमण्यम को मिला इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड, इंडिया की जर्नलिस्ट है ये। निकी हेली बन गई है इस समय यूएस एम्बेसडर टू यूएन। 13वां वाटर सॉरी 13वां वर्ल्ड रोबोट रोबोट ओलंपियाड हुआ था नोएडा में, और इसकी थीम थी रैप द स्टेप। फिर गगनजीत भुल्लर ने जीता है ये बैंक ब्रिक BRI JCB इंडोनेशियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट। वर्ल्ड का पहला संस्कृत अवार्ड जिसको मिला था प्रिंसेस महाचक्री सिरिन धोर्न, जो कि प्रिंसेस है थाईलैंड की। शक्ति भट्ट जो बुक प्राइज मिला इस बार वो अक्षय मुकुल को मिला, टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट है। फिर एम बाला मुरली कृष्णा, ये कर्नाटिक वोकलिस्ट है और ये म्यूजिशियन है, ये डेथ हो गई। इंडिया की पहली फीमेल कैप्टन है जो मर्चेंट नेवी की, वो इंडिया वो पहली वुमेन बन गई है वर्ल्ड की, जिनको मिला है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए, राधिका मेनन। तीसरा वर्ल्ड इंटरनेशनल इंटरनेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, चाइना में। फिर ये है इसमें इंपॉर्टेंट, देखिए कलकत्ता का जो प्रोजेक्ट 15 ए है, ये किससे रिलेटेड है, ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तीन बन चुकी है अब तक, कोलकाता INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई बनी तीसरी। फिर ये धर्मवीर सिंह स्प्रिंटर है हरियाणा के, इनको बैन कर दिया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। पीवी संधू ने जीता है चाइना ओपन बैडमिंटन का, ये इनका पहला सुपर सीरीज टाइटल था। देखिए ये आईस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ कर लिया रशिया ने। फिर ये इंडिया में ऐसा पहला कौन सा स्टेट था जिसने की एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, वो है छत्तीसगढ़। फिर एक हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है इंडिया चाइना के बीच में, टोल फ्री आधार नंबर ये हेल्पलाइन किया गया था, इसका इसका नाम नंबर क्या है 1947। नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप का अवार्ड तीसरी बार जीता है पद्मनी राउत। फिर देखिए SS मुंद्रा के लिए के अंडर में कमेटी बनाई गई थी कि रिकैलिब्रेशन जो हो रहा था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके ATM के लिए SS मुंद्रा। वर्ड ऑफ द ईयर ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का अवार्ड मिला है पोस्ट ट्रुथ को। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे नरेंद्र बत्रा। फिर ये आप देखें तो जैकी चैन को मिला है ऑनररी ऑस्कर अवार्ड 8th एनुअल गवर्नर अवार्ड में। पहली वुमेन बन गई है इंडिया की जिन्होंने लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल जीता है इंडियन ओपन, ये गोल्फर में, मतलब पहली इंडियन गोल्फर बन गई है अदिति अशोक, अदिति अशोक। फिर ये है कि पहला इंटरनेशनल एग्रो बायोडायवर्सिटी कांग्रेस ये कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में। फिर क्वार्टरली मैगजीन एक स्टार्ट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए, नाम इसका हेल्दी इंडिया इनिशिएटिव स्वस्थ भारत एक पहल। कॉप 7 जो टोबैको कंट्रोल के लिए हुआ था नोएडा में, कंट्री की पहली इंडिया की मतलब पहली LNG फ्यूल बस ये कहाँ पे स्टार्ट हुई, तिरुवनंतपुरम में। फिर उसके बाद वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप जीती थी चाइना ने, इंडिया ने सॉरी इंडिया ने चाइना को हरा के जीती थी जो ये सिंगापुर में हुई थी, तो इंडिया ने जीती थी वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप चाइना को हरा के। इंडिया बांग्लादेश की एक्सरसाइज है ये। संप्रीति रेखा को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दुबई इंटरनेशनल फिल्म के में, फिल्म फेस्टिवल में। 47th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो इंडिया में गोवा में हुआ था उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उसको मिला इम कोन क्रेग को। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो कि फाउंडर है सुलभ इंटरनेशनल के, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था स्वच्छ रेल मिशन के लिए। नए चेयरपर्सन है सुशील चंद्रा, इतना इम्पोर्टेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी तक इंडिया में जो रूरल में हो गए हैं ODF फ्री यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री, उसके लिए मिनिस्ट्री कौन सी है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, पहला सिक्किम, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर केरला, फिर उत्तराखंड, फिर हरियाणा, और अर्बन स्टेट में कौन कौन से, गुजरात और आंध्र प्रदेश, इनकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर, इसकी थीम थी इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया।
सूर्य किरण एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल के बीच में। सुनील गावस्कर को बनाया गया है, ये बने हैं, ये स्ट्रोक एम्बेसडर ऑफ इंडिया। फिर ये देखिए, यजिदी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी, उनको 2016 का सकरो प्राइज मिला था। नादिया मुराद वैसी और ये लामिया अजीब बशर नाम है इनका। मैन बुकर 2016 वाला मिला था, तो 10 से 9 के लिए पॉल मिट्टी को। ऑफिशियल मैस्कॉट 2018 के फीफा वर्ल्ड कप का है जेबी वाका, जो कि एक गोल्फ है। ठीक है, फिर ये कॉमिक कैरेक्टर है जिसको के अपॉइंट किया गया यूएन का ऑनररी एम्बेसडर, ताकि जेंडर इक्वलिटी और ये अचीव की जा सके। यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका नाम है वंडर वुमेन। 2016 का यूरोपियन गोल्डन बॉय अवार्ड मिला है रेनाटो सेंचेस को। फिर ये देखिए, मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया की लेटेस्ट रैंकिंग हो गई फुटबॉल में 107, पहले 96 तक आ गई थी। फिर ये कौशल्या सेतु एक स्कीम किसने की है क्लास 10 फेल स्टूडेंट के लिए, महाराष्ट्र ने। पहला इंटरनेशनल प्राइज स्टैटिस्टिक्स का मिला है। हाँ सर, डेविड कोक्स को। फिर ये ऑटोमोबाइल कंपनी जो कि इंडिया की पहली इंडिजिनस सर्किट इलेक्ट्रिक बस बना रही है, अशोक लेलैंड है ये। फिर ये इरोम शर्मिला ने अपनी पार्टी स्टार्ट की थी प्रजा, पीपल रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस। फिर उसके बाद है ये साइनो इंडिया को, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, ये 2016 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी 97। इसको पब्लिश करता है इफप्री। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ स्टेट बन गए किंग भूमिपोल आदुलिये, जो कि थाईलैंड के थे, इनकी डेथ हो गई है अभी। आईएम खोला जाएगा जम्मू में। देखिए, ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि गोवा में हुई थी, उसमें ब्राजील ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, तो ब्राजील जीत गई थी उसमें। इंडिया का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर मुंबई में खोला गया। पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेज बनाया था विजाग स्टील ने। फिर ये हिमांश करके एक बनाया गया हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन, ये किसने बनाया गया, हिमालयन ग्लेशियर को स्टडी करने के। फिर ये वर्ल्ड का पहला वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट था, ये नई दिल्ली में किया गया और इसकी थीम थी बियॉन्ड 2015 पीपल प्लानेट एंड प्रोग्रेस। उसके बाद है ये आपका, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, प्रोफेसर यू आर राय को ये हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया था, और ये ऐसे पहले बन गए थे, ये इसरो के चेयरमैन थे, ये पहले इंडियन बन गए थे जिनको की साइंटिस्ट जिनको की हॉल ऑफ फेम में किया गया। उसके बाद ये पब्लिक सेक्टर बैंक पहली ऐसी कौन सी है जिसने की म्यांमार में अपनी ब्रांच खोली, वो है एसबीआई। ऐसे काम जनरली एसबीआई करती है। फिर ये अंतरिक्ष अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट ये गोवा में स्टार्ट हुआ था, अभी हमने बताया आपको, ब्राजील ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के इस बार के क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, इंडिया में सबसे पहला स्टेट कौन सा है जिसने की डीबीटी इंप्लीमेंट किया था केरोसिन में, वो है झारखंड। फिर ये दो इंडियन स्टेट है जो कि अर्बन एरिया में ओडीएफ फ्री है, आंध्र प्रदेश और गुजरात, अभी हमने बताया आपको। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब मीजल्स फ्री कर दिया है जो ये रीजन है नॉर्थ और साउथ अमेरिका को। देखिए, 2016 का लता मंगेशकर अवार्ड मिला था उत्तम सिंह को। गांधी फाउंडेशन इंटरनेशनल पीस प्राइज 2016 का मिला है जिसको, पीटर टेजन को। और 2017 का जिसको मिला है अल कमन जट्टी और रामजी अबू रिद्वान को। देखिए, सिमोन पेरेस को मिला था ये सॉरी डेथ हो गई थी। तुजबा एक्सरसाइज हुई थी रशिया और पाकिस्तान के बीच में, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। आर अश्विन 250 विकेट लेने वाले भी बहुत तेज, की सबसे पहले खिलाड़ी बन गए सबसे तेजी से लेने वाले, और 200 वाले भी। 2026 का एशियन गेम कहाँ में खेला जाएगा, नगोया में। फिर ये जोल्फा कर करके ये मिसाइल ईरान की है। फिर ये देखिए, बिसार नाराई ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी जो ऑस्कर अवार्ड में, ठीक है ये आप याद रख सकते हैं। इसमें इंदिरा ये देख चुके हैं। फिर हम लोग ग्लोबल एनुअल क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड मिला था किसको, आदि गोदरेज को 2016 के लिए। देखिए, इंडिया की रैंकिंग थी इकोनॉमिक फ्रीडम 2016 में 112। फिर ये परम ईशान सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी ये कहाँ पे स्टार्ट की गई, आईआईटी गुवाहाटी में। फिर
फिर उसके बाद देखिए इंडिया और सॉरी चाइना और यूएस ने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी, ज्वाइंट सी 2016 साउथ चाइना सी में। फिर ये इतना देखिए 17वां जो नैम सम्मेलन है ये इंपॉर्टेंट है, मार्गरीटा आइलैंड में किया गया था ये, और ये वेनेजुएला में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी ने। युद्ध अभ्यास ये इंडिया और यूएस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडियन रेलवेज ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए अब ये आरकॉम और एयरसेल आपस में अपना मर्ज कर लेंगे बिजनेस और फोर्थ लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर बन जाएंगे, नंबर 1 पे एयरटेल ही है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट की किसने जीती थी, इंडिया ब्लू ने। उसके बाद ये जूनोटिक जो ये इंफेक्शन है एविएशन इंफ्लुएंजा H5N1, इंडिया ने अपने आप को फ्री घोषित कर दिया है इसमें 5 सितंबर को। उरान फुटबॉल क्लब के किसने जीता था, आर्मी ग्रीन ने। हापाटानी ट्राइब जो है अरुणाचल पाई जाती है, उनके ऊपर बुक लिखी थी इनटू द हिडन वैली, इसको अवार्ड दिया गया है, इसको अवार्ड मिला है MM पेनेट्स अवार्ड। अंजुम चोपड़ा ऐसी पहली इंडियन वुमेन बन गई जिनको की ऑनररी लाइफ टाइम मेंबरशिप बनाया गया है मैरिलबर्न क्रिकेट क्लब का। चार अपने इंडियन क्रिकेटर दिए, ये आपको बताया था मैंने। फिर ये इतना इम्पोर्टेंट, प्रबल दोस्ती एक्सरसाइज है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। मलेरिया फ्री अभी अपने आप को श्रीलंका ने डिक्लेयर कर दिया है, और ये तो फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। G20 का वेन्यू इम्पोर्टेंट है, 11वां देखिए चाइना में हुआ था, 12वां हुआ जर्मनी में, और 13वां होगा 2018 वाला अर्जेंटीना। पहला ब्रिक फिल्म फेस्टिवल ये हुआ नई दिल्ली, ब्रिक कन्वेंशन ऑन टूरिज्म ये कहाँ पे हुआ, खजुराहो में MP में। और ये लास्ट पेज है इसका, देखिए माजुली जो आइलैंड है इसको डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। फिर उसके बाद ये 37th प्रेसिडेंट बनाया गया है ब्राजील का, माइकल टेमर को। और ये फाइनली योगेश्वर दत्त ने ये जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था लंदन ओलंपिक्स में उनको अपग्रेड करके सिल्वर बता दिया गया, क्योंकि जो सिल्वर जीते थे वो बेसिक को करके वो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। तो देखिए ये पूरा करंट अफेयर्स वन लाइनर था, पूरा सितंबर 2016 से लेके अगस्त 2017 तक का 12 महीनों का है पूरा करंट अफेयर ये। और ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंडिया में सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। बीच में शायद एक जगह डिस्टरबेंस होगा तो बाकी आप उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करके बाकी आप पूरा सुन लीजिएगा। यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, एमपी पीसीएस, एसएससी, सीजीएल और सबके लिए देखिए, इसकी पीडीएफ की लिंक आपको यहाँ पे मिल सकती है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप पूरी पीडीएफ लेना चाहें तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। बहुत मेहनत से मैंने बनाई है और बहुत देर तक ये बीच बीच में गैप लेके इसमें मैंने बोला, इसलिए कंटिन्यूअस एक ही वीडियो बनाया है, आपको पार्ट वाइज नहीं दिया है, नहीं तो वो पूरा नहीं हो पाता है। इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।